मैया को इतने पिटाएगी, मैया कुएं में आत्महत्या की, जिसकी नाम पर गया में पिंड देने पर भी जिसकी उधार नहीं हुई, लेकिन इसकी उधार कैसे हुई, बोले भागवत के पास। मतलब अगर कोई पापी से पापी क्यों नहीं हो, वो भी कथा सुन करके उसको भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई बोले हम क्या कम जानते हैं, अरे हमने सब गीता भागवत पुराण हमने पढ़ रखा, हमने सब सुन रखा, हमें ये सब कथा सुनने का कोई जरूरत नहीं, इसके लिए उदाहरण दिया आप श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी नहीं हुए, जो मातृ गर्भ में 16 साल तक रही और जन्म होते ही वो ब्रह्म ज्ञानी बन करके चली गई और ब्रह्म में पूरा डूबे हुए थे, लेकिन ये भागवत कथा में इतने आनंद, कथा में इतने रस है, जब उन्होंने एक श्लोक को सुना वो पागल हो गई और सब कुछ छोड़ छाड़ करके पूरी की पूरी ये भागवत कथा को श्रवण किए। इसलिए ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो, कहते ये कथा को सुन सकते हैं। और भगवान की कथा ऐसे है, जितने सुने उसको ऐसे लगेगा जैसे जीवन में हमने कभी सुनी नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बले राम कथा जे सुना तो अघाई, राम कथा जे सुना तो अघाई, कथा सुनते सुनते मैं तो बोर हो गया हूँ, कितने सुने सुनाए कथा को सुनेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया वो रस को बारे में उसको पता ही नहीं। इसलिए भगवान जब पृथ्वी महाराज जी को बोले बर मांगो, बोले प्रभु मेरे को 10,000 कान दे दो। ठाकुर जी बोले भैया दो कान तो अच्छी लग रही है, अगर सर में दो कान हो जाए, पूरा शरीर में कान ही कान हो जाए, थोड़ी अच्छी लगेगी, तो 10,000 कान क्यों मांगते हो। बोले प्रभु मैं सारा शरीर में कान ही कान नहीं मांग रहा हूँ। बोले मतलब क्या है। बोले दोनों कानों में कृष्ण कथा सुनने की इतने शक्ति जो जैसे 10,000 कानों में जो शक्ति है। दूसरा तात्पर्य यह है, जैसे यहाँ कथा हो रही है, भैया और भी कहीं तो कथा होती होगी, कहीं की कथा मेरी चूक नहीं जाए, जहाँ जहाँ कथा हो रही है मैं वहां पर उतना रूप लेकर के तुम्हारी कथा को सुनना चाहता हूँ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए जिनका नाम श्री रूप गोस्वामी। देखो वो क्या कहते हैं, बोले तुंडे तांडव निमित विकट होते, तुंडा बलि लब्ध करना क्रड़ो कड़ भिन घटयते, करना बुधे वस्प्रिया चेत प्रांगण संग निरचयते, सर्वे इंद्रियाणां कृति नो जानि जगित किम अद्भुत कृष्ण इति वर्णद्वय। वो संत कहते हैं ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, कृष्ण नाम में इतने मीठा है, इतने नाम में मीठा है, उसको सुनने के लिए दो ही कान क्यों दिया, अगर करोड़ों करोड़ों कान दे देते ना तभी कथा सुनकर के आनंद होता। बोले एक ही क्यों जिह्वा दे दिया, जब कृष्ण नाम जिह्वा के ऊपर में उदय होता है, जैसे शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं ये जिह्वा ऐसे थिरकने लग जाती है, उसको लगता है अर्बुद खरबुद जिह्वा क्यों नहीं दे दिया,
लेकिन जब हृदय में प्रवेश करता है तो सारे जड़ इंद्रियों को स्तब्धीभूत करके सारे अपराकृत इंद्रिय की अनुभूति को दिला देता है। लगता है जैसे रस बरस रही है। इसलिए भगवान कथा को एक पापी से पापी भी सुन सकते हैं और एक ज्ञानी से ज्ञानी भी ये कथा को सुन सकते हैं। सब के सब ये कथा सुन सकते हैं। बोले भैया ये कथा सुननी कहाँ चाहिए? बोले जहाँ तक नहीं सुननी चाहिए, मना कर देती है। बोले कथा किससे सुननी चाहिए? बोले वैष्णव से सुननी चाहिए। जहाँ कथा जहाँ तक कथा नहीं सुननी चाहिए। उदाहरण दिया जैसे दूध, अगर कोई दूध पिएगा खुदा निवृत्ति होगा, शरीर में ताकत आएगी, हृष्ट पुष्ट होगा। लेकिन वही दूध को अगर कोई सांप मुंह मार दे, वो देखने के लिए तो लगेगा ये दूध है, लेकिन उसको पियो ना ये मृत्यु का कारण बन जाती है। कहते तो उसी तरह जिनकी हृदय में प्रभु का प्रति भावना नहीं, भक्ति नहीं, जैसे कथा को जैसे बिजनेस रूप में अगर कोई कर रहा है, इसलिए कथा कर रहे हैं जैसे बिजनेस रूप में कथा कर रहे हैं। भैया वहां से कथा सुनोगे, वक्ता के हृदय में जो भावना होगी, अरे श्रोता का हृदय में वही भावना है। अगर वक्ता का हृदय में भक्ति की भावना हो, प्रेम की भावना हो, सुनने वाले के हृदय में भी ठाकुर का प्रति प्रेम और भक्ति आए। और जो कथा कर रहे हैं अगर बिजनेस भाव से कर रहे हैं कथा को, फिर उनसे सुनने से तुम्हारी कोई लाभ नहीं होगी। बल्कि हृदय में जैसे दूध को सांप मुंह मारने पर वो जहर हो जाता है, वो देखने के लिए तो लगेगा कथा, लेकिन वो कथा नहीं, वो व्यथा है। उसमें हृदय में संसार की भावना जगेगी, ठाकुर का प्रति प्रेम नहीं आए। जैसे समुद्र मंथन से बीस भी निकला और वहां से अमृत भी निकला, उसी तरह ये कथा से ये बीस भी निकलती है, कथा से अमृत भी निकलती है। अगर शुद्ध भक्तों से जिनके हृदय में केवल प्रभु की भक्ति की भावना है, अगर उनसे सुनोगे फिर प्रभु की प्रेम मिलेगा, भक्ति मिलेगा है। और जिनके हृदय में संसार की वासना हो, दुनियादारी की भावना हो, बिजनेस भाव से करते हैं, फिर तो तुम्हारे हृदय में कोई भाव आएगी, भक्ति नहीं आएगी। इसलिए कथा जहां था सुनने के लिए मना किया है। बोले भागवत में विषय क्या है? बोले इसमें विषय बहुत हाई फाई विषय। बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधो वर्गेन जा कल्पिता। बोले भागवत में भगवान की शुद्ध भक्ति का विषय पर आया है। श्री कृष्ण की कथा बड़ी प्यारी प्यारी भगवान कृष्ण की कथा है। श्री वृंदावन बिहारी कथा की आई। बोले उनको भक्ति कैसे करनी चाहिए? बोले जितने भी कृष्ण को भक्ति किए हैं, कहते पांच तरह का मुख्य रस है। शांत भाव से, दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, मधुर भाव से, ये पांच भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति, बोले ये गोपियों ने जैसे भक्ति की, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, ऐसे भक्ति दुनिया में नहीं। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति जो कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त है, कृष्ण कहते हैं उद्धव तू मेरे जितने प्यारे है ना, दुनिया में मेरे इतना प्यारे कोई नहीं। कहते ना तथा में प्रियतमा आत्मज्वरी न संकर। बोले मेरे बेटा ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, हरि हर एकात्मा शंकर भी इतना प्रिय नहीं, मेरी बख्य विलासिनी लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं, मेरे अभिन्न बलदेव भी इतना प्रिय नहीं। बोले उद्धव मेरे आत्मा भी मेरा इतना प्रिय नहीं, तू जितने प्रिय हो, इतना प्रिय श्री उद्धव। लेकिन जब उद्धव जी ब्रज में आए और ब्रजवासियों की प्रेम देखा, कहते भैया उद्धव शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल। जहाँ ब्रजवासियों की श्री राधा जी की प्रेम को देख करके उद्धव जैसे व्यक्ति भी राधा जी की चरण की एक धूल को वंदना करते हैं।
इसलिए भागवत में जो विषय है कहते गोपियां जैसे कृष्ण को भक्ति की, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में वर्णना की। बोले श्रीमद् भागवत कथामृतम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री पद्म पुराण में श्री भागवत कथा की क्या महात्मा। कहते श्री स्कंध पुराण में भी ये भागवत की कुछ महिमा, उसको हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बोले जिस समय कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, मैया कुंती उसी समय में ही शरीर को त्याग दी। बोले क्यों? बोले जब कृष्ण ही नहीं रहे फिर रहकर क्या लाभ। पांडव लोग भी ये संसार को त्याग दिए, लेकिन ये जाने से पहले हस्तिनापुर का राजा श्री परीक्षित महाराज और वृंदावन का राजा श्री बज्रनाभ को बना करके गए। एक दिन परीक्षित महाराज वृंदावन में बज्रनाभ से मिलने के लिए आए। बोले बज्रनाभ सब कुशल मंगल है ना? बोले कुशल मंगल, सब ठीक ठाक है, लेकिन मेरा मन बड़ा उदास है। बोले क्यों? बोले ब्रज में कोई है ही नहीं, ब्रज तो खाली खाली है। जब कृष्ण चले गए पूरा ब्रजवासियों को लेकर के चले गए, वृंदावन में तो कोई है ही नहीं, इसलिए मन बड़ा उदास है। लेकिन परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते। कृष्ण खुद कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़कर के एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाता। लेकिन ये रहस्य किसको पता? बोले सांडिल्य ऋषि को। तब उन्होंने सांडिल्य ऋषि को बुलाए। बोले सांडिल्य ऋषि, आप थोड़ी सी कृपा करके परीक्षित महाराज को ये ब्रज की कथा सुना। तो सांडिल्य ऋषि ने कहा देखो भगवान की दो तरह का लीला है, एक इनकी वास्तविक लीला जो सही लीला, और एक उनकी व्यवहारिक लीला है। लेकिन इस साधारण रूप में देखो कृष्ण तो चले गए, लेकिन आप सही सही देखोगे कृष्ण कहीं भी वृंदावन नहीं गए। फिर हमें वृंदावन में फिर कृष्ण लीला क्यों नहीं दिखती है? बोले कारण है हमारे आंखों के ऊपर में एक माया की पर्दा डला हुआ है, हम माया को अंदर में हम रह रहे हैं, इसलिए तभी प्रभु दर्शन के मिलेंगे। बोले कब? बोले प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयसो विलोकयन्तम् जन श्याम सुंदरं मचिंत गुणस्वरूपं गोविंदं मादि पुरुषं तमहं भजामि। पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं जब हम अपना आंखों में प्रेम रूपी काजल लगाएं तभी हम वृंदावन में सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण दिखेंगे। लेकिन हमारे आंखों में काम क्रोध लोभ मोह मद्माश्चर्य रूपी काजल हम लगाए, इसलिए इन्हीं आंखों से ठाकुर का दर्शन नहीं होता है। इसलिए आप लोग कौन कौन वृंदावन गए हो, कौन कौन हाथ उठा, कौन कौन वृंदावन में? आप देखना वृंदावन में दो वन है, एक निधु वन और एक निकुंज वन। गए कि नहीं? गए हो ना? देखना रात को वहां पर ठाकुर जी के लिए सुंदर पुष्पों की सजा लगाते हैं, लोटे में पानी रख लेते हैं, लड्डू और दांतन रख लेते हैं। सवेरे जा करके देखोगे ऐसे लगेगा मानो रात में कोई आए और यहाँ विश्राम करते हुए गए। लोटे में कभी पानी नहीं मिलेगा, कभी लड्डू नहीं मिलेगी है। अगर कोई सोचेगा हम जोर जबरदस्ती रह करके देखना चाहते हैं, वो मर जाएगा नहीं तो गूंगा बन जाएगा। हमारे मंदिर को पास में वो दो बने हैं, मैंने अपना आंखों से दो घटना देखा, एक को तो शरीर छोड़ते हुए देखा और एक को गूंगा बन करके देखा। क्योंकि जब प्रभु की लीलाओं को दर्शन करें ना, फिर ये शरीर नहीं रहती है, शरीर छूट जाती है। अगर किसको विश्वास नहीं हो भगवान है क्या नहीं, फिर वृंदावन में जा करके ये दोनों वन में कोई एक वन में रह करके है वहाँ पर रह करके दिखा दें, फिर तो पता चलेगा ठाकुर है क्या नहीं है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अब
अभी भी वृंदावन में बड़ी सुंदर सुंदर लीला स्थलियां है, ये कलयुग में भी ठाकुर जी दर्शन दिए हैं। हमारी संप्रदाय में एक संत थे जिनका नाम था श्री श्यामानंद ब्रह्म। जब ये गुरु जी को पास में आए, गुरु जी ने कहा, देख बेटा, जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक विवाह नहीं मिलेगी, जाओ। अभी भी ठाकुर जी ये निकुंज वन में लीला करते हैं, रोज झाड़ू लगा। वो संत रोज वो वन में झाड़ू लगाया करते थे और राधा जी के नाम को रो रो करके श्री राधा जी की नाम को लिया करती थी। बोले राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे, गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे, यमुना के घाट आवाज आई राधे राधे, यमुना के घाट आवाज आई राधे राधे, बोले राधे, दूध के धार से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधा रानी का नाम को ले लेकर के रो रो करके वो झाड़ू लगाया करते थे। अभी राधा रानी दर्शन देने के लिए एक बहाना बनाए, अपना चरण का जो पायल थी छोड़ करके चली गई। वो संत जब झाड़ू लगा रहे थे, जंगल में चमचमाते हुए एक सोने के नूपुर मिला, उसने ला करके अपना गुरु जी को दिखाया। लेकिन गुरु जी भी बड़े पहुंचे हुए थे, श्री जीव गोस्वामी वो तो देख करके पहचान गए, ये तो श्री किशोर जी की चरण की पायल है। बोले देख बेटा, राधा रानी तुम्हें दर्शन देने के लिए बहाना बना रही, अगर कोई मांगे उनको देना नहीं, बोलना जिनकी चरण की नुपुर वो स्वयं आए और अपना हाथों से मैं पहना दू। अभी ललिता मिश्रा का रूप बदला करके आए, बोले बाबा बाबा, हमारी घर की बहू यहाँ पर फूल चयन करने आई थी, कहीं प्यार की नुपुर घूम गया, तेरे को मिला? बोले हाँ मिला। बोले दे दो। बोले जिनका चरण की नुपुर वो स्वयं आए, मैं अपना हाथों से मैं पहना दूंगा। बोले तू कैसे संतो हो? वो हमारी घर की बहू है, अब तुम संतो है ना, हमारी बहू की चरण में तुम नुपुर कैसे पहनाओगे, तेरे को शर्म नहीं लगता है? अच्छा चाहते हो तो दे दो, नहीं तो भैया भुला कर घर लाएंगे। बोले जो कुछ करना कर दो, हम तो उनकी चरण में ही पहनाएंगे। तब उन्होंने राधा जी को बोले, राधा जी बोले उसको ये बोलो,
हमारे घर की बहू ऐसे नहीं आएगी, पहले आंखों में काला पट्टी बांधते फिर आएगी। बोले कोई बात नहीं, तब राधा रानी वहां स्वयं आती है और ये अपना हाथों से राधा जी के चरण में उन्होंने नुपुर पहना, नुपुर पहना करके राधा जी के चरणों को उन्होंने पकड़ करके रखे। बोले हे राधे, जब तक इतने दूर तक दर्शन कृपा की, हमें दर्शन भी दो। राधा रानी आंखों को ऊपर से पट्टी खोल देती है, फिर उन्होंने श्री राधा रानी को दर्शन की। बोले श्री राधा रानी की। इतने में राधा रानी उनको तिलों को बीच में एक उन्होंने एक नुपुर से एक फोटा लगा दी। अभी भी वृंदावन में एक ठाकुर जी है, अगर वृंदावन जाओ ना जरूर दर्शन करना। उनका नाम है श्री राधा श्याम सुंदर, उनका नाम है। आप लोग गए हो कौन कौन राधा श्याम सुंदर को देखो? कोई भी नहीं देखी। वहां पर एक राधा दामोदर मंदिर है, वो मंदिर को पास में ये मंदिर बड़ा सुंदर ठाकुर जी है। इस बार जाओ तो राधा श्याम सुंदर पूछते पूछते जाना, देखना उनको तिलों को बीच में जो राधा रानी अपना नुपुर में एक चिन्ह लगा दी थी छोटा, अभी भी ठाकुर जी उसको धारण करते हैं। इसलिए श्री सांडिल्य ऋषि ने कहा, देखो वज्रनाभ कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में है। लेकिन ऐसे जो साधन करते हैं अभी भी राधा रानी उन्हें दर्शन देती है। हमारे संप्रदाय में और एक संत है जिनका नाम था श्री रूप गोस्वामी। वो दो भाई थे, एक रूप गोस्वामी और एक सनातन गोस्वामी। ये दोनों भाई उसी समय में नवाब की, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, और उनका जो छोटे भैया रूप गोस्वामी वो थे वित्त मंत्री थे। जब उनको भक्ति की चस्का लगी, हम तक कभी कभी रिश्वत दे करके नौकरी करते हैं, उन्होंने उसी समय में 10,000 स्वर्ण मुद्रा उन्होंने रिश्वत दिया। बोले मेरी नौकरी छूट जाए और हम वृंदावन में जाकर के भजन करें। इतने भजन, इतने उन्होंने दोनों भाई भजन किए, हम तो ठाकुर को दर्शन करने जाते ही ठाकुर उनको दर्शन करने आते। ऐसे ये दो संत बने। एक समय दोनों भाई आपस आपस में हरि चर्चा कर रहे थे। अभी छोटे भैया सोच रहा है बड़े दिनों में बड़े भैया आए, उनका मैं खीर खिलाऊं, तब राधा रानी स्वयं बालिका बन के गई और उनके लिए खीर बना करके गई। जब उन्होंने खीर खाई की रोम रोम खिल उठे, हृदय प्रेम में गदगद हो गया। बड़े भाई ने पूछा, तुमने कुछ मन में सोचा था? बोले हाँ, मैं ये सोच रहा था आपको खीर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा खीर खिलाए। बोले ये बताओ, ये घनाघोर जंगल में तुम्हारी भावना को कौन समझे और खीर बना करके जाए? वो जो बालिका आई थी वो बालिका नहीं, वो स्वयं राधा रानी आई, वो स्वयं खीर बना कर गई। खा करके देखो कितने खीर में कितने स्वाद है। जब सनातन गोस्वामी रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे ये संत, एक दिन कड़ी धूप थी और धूप में एक पेड़ को नीचे उन्होंने सो गए। इतने में कृष्ण बलराम आए, कृष्ण अपना पैर जंघे के ऊपर उनका सर रख दिए, दाऊ भैया उनको हवा कर रहा था कर रहे थे। इतने में आंख खुली तो कृष्ण समझाए, बोले बाबा आप तो जिंदगी भर गिरिराज की परिक्रमा लगाया, अभी वृद्ध हो गए और इतना कष्ट मत किया करो। बोले नहीं, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक परिक्रमा लगाऊंगा। तब ठाकुर जी उनको एक गिरिराज सलाह दिए। बोले इसमें चार चिन्ह है, एक गैया की खुरा का चिन्ह, मेरी बाम चरण का चिन्ह, लकुटी और बंसुरी का चिन्ह। अगर इसको तुम चार बार परिक्रमा करोगे ना, गिरिराज परिक्रमा की फल मिलेगी। अभी वृंदावन में एक राधा दामोदर मंदिर, अब लोग गए हो कौन कौन राधा दामोदर मंदिर में गए? देखना 24 घंटा लोग वहां परिक्रमा करते हैं, क्योंकि कृष्ण बोले अगर चार बार परिक्रमा करोगे गिरिराज परिक्रमा करने की फल मिलेगी। अभी वो राधा दामोदर मंदिर में वो शिला रखा हुआ है। वो इतने बड़े संत हुए, इतने बड़े संत हुए, ठाकुर जी मथुरा से चलते 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 उनको साथ में आगे वृंदावन में। और जब ठाकुर जी आए, उन्होंने ठाकुर जी को बोले, देखो रोज रोज तेरे को राबड़ी मालपुआ खीर नहीं खिला सकता हूँ, जो कुछ खिलाऊंगा खाना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं। तो उन्होंने टिकिया बना करके
बगैर नमक के टिकिया बना करके ठाकुर को भोग लगाए। दो चार दिन बाद में ठाकुर जी बोले, देखो तुम उसमें सब्जी तो देता नहीं, थोड़ा नमक तो दिया करो। भैया गले से नीचे उतरता है कि बिना नमक के टिकिया खिलाते हो। देखो वो संत कितने बड़े थे। बोले तेरे पिताजी की नंद बाबा की नाव लात गई थी, तभी तेरा पेट नहीं भरता था, तो घर घर में चोरी करके खाता था। आज बोलोगे नमक, कल बोलोगे सब्जी, फिर बोलेगा था दूध मिल जाए, फिर बोलेगा था राबड़ी ले आओ, फिर बोलेगा रसमलाई ले आओ। भैया मैंने भीख मांग कर खाने वाले व्यक्ति तेरे लिए कहाँ से लाऊंगा, तेरे को जहाँ इच्छा तू वहीं पर चले जाओ और वहीं पर खाया कर। मतलब ये संत इतने बड़े हुए जिनको साथ में ठाकुर जी डायरेक्ट बात करते थे, जिनको साथ में। इसलिए श्री सांडिल ऋषि ने कहा, बज्रनाभ जी अगर अभी भी कृष्ण लीला कर रहे हैं, अगर तुम दर्शन करना चाहते हो एक काम करो। बोले प्रभु बताओ। बोले धीरे धीरे ये ब्रज लीलाओं को प्रकाशित करो और ठाकुर जी को प्रकाशित करो, फिर ठाकुर को कृपा मिले। इन्होंने बहुत सारे ठाकुर बनाए, लेकिन इसमें तीन ठाकुर मुख्य है, एक गोविंद देव, एक गोपीनाथ और एक मदन मोहन। ये पहले वृंदावन में थे, लेकिन ये औरंगजेब का आक्रमण से राजा मान सिंह ने ये सारे ठाकुर वृंदावन से ले गए जयपुर। जयपुर गए वो, कौन कौन जयपुर गए, वहां पर भगवान गोविंद देव को देखोगे, विशाल मंदिर गोविंद देव का। ये सारे ठाकुर वहीं पर चले गए, लेकिन उसमें एक मदन मोहन ठाकुर जी थे जो जयपुर से करौली गए। बोले करौली क्यों गए, बोले राजा मान सिंह का एक बेटी थी, बड़ी प्यारी बेटी थी, वो बेटी ठाकुर जी को मदन मोहन को अपना हाथों से सेवा करती थी, श्रृंगार करती थी, खाना खिलाती थी, स्नान कराती थी। जब बेटी की शादी की उम्र हो गई, राजा जय करौली राजा को साथ में शादी देने की बात की। राजा मान सिंह ने बेटी से पूछे, बोले देख मैं दहेज रूप में जो देना सो तो दूंगा, लेकिन तुम्हारी मन में कोई इच्छा हो तो बोलो। बोले पिताजी भले ही मेरे को कुछ दो और मत दो, ये मदन मोहन को दे, ये ठाकुर जी को मेरे को दे दो, क्योंकि बचपन से मैंने इनकी सेवा की, इनके साथ में मेरी प्रेम हो गई। आप देखना जिसकी सेवा करोगे ना उसके साथ में प्रेम हो जाएगी। बोले ये ठाकुर दे दो, लेकिन उनका नाम ही था मदन मोहन, बड़ी सुंदर प्यारे ठाकुर जी थे। बोले बेटी और कोई ठाकुर ले लो, लेकिन मदन मोहन को नहीं दे सकता। बोले लूंगी तो यही ठाकुर को लेकर के जाओगे, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। अब बेटे पिताजी को साथ में लड़ाई हो गई, अब तो बेटी को शादी देना ही। पिताजी ने कहा देख बेटी मैं परीक्षा करके दूंगा। बोले क्या परीक्षा करोगे। बोले मेरे पास में बहुत सारे ठाकुर हैं, सब ठाकुर को लाइन करके खड़े कर दूंगा, तेरे आंखों में काला पट्टी बांध करके छोड़ दूंगा, जिस ठाकुर को तुम जाकर के स्पर्श करके बोलोगे ये ठाकुर चाहिए कर, मैं वही ठाकुर दूंगा। बोले ठीक है। रात को राजकुमारी सोते समय ठाकुर जी को प्रार्थना करते करते सोए। बोले हे ठाकुर जी सही शादी तो मेरी तेरे साथ में हो गई है, तेरे साथ में तो असली प्रेम मेरी हो गई, लेकिन अभी लोगों को दिखाने के लिए मैं किसी को पास में जा रही हूँ। कहते ना ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी हो गोपाल जुस जो चुड़ल अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर से दुल्हनी बना दो। असली शादी तो तेरे से मेरी हो गई, लेकिन अभी ऊपर शादी के लिए और कहीं जाना पड़ रहा है। तू मेरी प्रेम की बात तू जानते हो, तेरे को मैं दिन से कितने चाहती हूँ। पिताजी कहते हैं परीक्षा करके दे। भैया अभी मेरे को पता कैसे चलेगा तू मदन मोहन। जब उन्होंने हृदय से ठाकुर जी को पुकारे, ठाकुर जी रात को स्वप्न दिए। बोले बेटी कोई चिंता मत करो, एक काम करना। बोले क्या करना। बोले जब आंखों में काला पट्टी बांध करके छोड़ देंगे, तुम ठाकुर जी को सारे ठाकुर जी को साथ हाथ लगाते लगाते आना। जब तुम मेरे पास में आ जाओगी ना, मैं फिर तेरे हाथ को मैं पकड़ लूंगा, फिर पता चल जाएगा यही मदन मोहन है, फिर मेरे को लेकर चले जाना। सचमुच से दूसरे दिन इतने लोग वहां पर आए देखने के लिए, राजा रानी की राजकुमारी
कौन सा ठाकुर जी को साथ में ले जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी जोर से, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब राजकुमारी ये मदन मोहन जी को पास में आए, इतने में मदन मोहन ने उनका हाथ पकड़ लिया, लेकिन ये चीज को कोई नहीं देख रही थी, वो केवल वो राजकुमारी अनुभूति कर रही थी। बोले पिताजी मेरे को यही ठाकुर जी दे दो। फिर उन्होंने मदन मोहन को लेकर के चले गए कहाँ, करौली में। इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम भुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया यशोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको हृदय से एक बार पुकार करके देखो, ठाकुर क्या नहीं करते ठाकुर जी। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। इसलिए श्री बज्रनाभ ने ये सारे ठाकुर जी को उन्होंने प्रकाशित किया, उन्होंने ब्रज मंडल को उन्होंने प्रकाशित की। फिर भगवान की कृपा, भगवान की आशीर्वाद उनको प्राप्त हुई। एक दिन कृष्ण के जो 16108 बटरानियां थी, ये कृष्ण विरह में बड़ी दुखी, क्यों कृष्ण दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन ये देखा है जो काल दी ये यमुना, इसकी अंदर में कृष्ण विरह है ही नहीं, और ये काल दी कलकल नाद से बह रही है, और भगवान कृष्ण की जय जयकार देते हुए बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। बड़े आनंद प्रफुल्ल है। इतने में महिषियां प्रश्न करती हैं, बोले काले दी हम सबके सब कृष्ण विरह में दुखी है, लेकिन तेरे मन में कोई दुखी नहीं, तू तो बड़ी प्रसन्न हो, क्या तेरे को कृष्ण विरह है नहीं। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले राधा रानी की आशीर्वाद से, राधा जी की आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं जाते ही, अभी भी कृष्ण वृंदावन में है, ये मेरे को ये पूर्ण विश्वास है, इसलिए मेरे को कृष्ण विरह नहीं। बोले ये रहस्य किसको पता है? बोले एक व्यक्ति को। बोले वो कौन है? बोले श्री उद्धव जी। बोले तो उद्धव जी कहाँ रहते हैं? बोले अभी भी गिरिराज गोवर्धन में। आप लोग गिरिराज परिक्रमा लगाए, कौन कौन गिरिराज परिक्रमा लगाए? देखना राधा कुंड से पहले एक उद्धव कुंड है। बोले अभी भी उद्धव जी घास बज करके अभी भी भजन कर रहे। ये उद्धव जी को कृष्ण ब्रज में भेजे थे, यही उद्धव ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी, ये रहस्य उद्धव जी को पता है। बोले चलो हम सबके सब श्री उद्धव जी को पास में चलते हैं। सबके सब आए और वहां पर बड़ी सुंदर कीर्तन करते हैं, कीर्तन का भजन है। हाँ एक भजन सुन लो कैसे ब्रजवासी। बोले श्री वृंदावन बिहारी राम की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वृंदावन मकरंद है रस की करते रस दुल्हन प्यारे राधिका दुल्हा श्याम कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल अर पात पद में श्री राधे राधे। अच्छा तो मोहन से प्यार कौन कौन करते हैं?
अच्छा कुछ लोग हाथ नहीं उठाए इसके मतलब नहीं करते हैं क्या? करते हैं तभी तो यहाँ कथा में आए हैं, नहीं तो नहीं आते। मोहन से प्यार करते हैं सभी लोग लेकिन हाथ बहुत कम उठा है। तो मोहन से प्यार कौन कौन करते हैं? आप सब हाथ उठा। तो आइए जो करते हैं वो तो दीवानी हो जाती है, मस्तानी हो जाती है मोहन के प्यार में। अरे मोहन से दिल क्यों लगाया, ए मैं जानूंगा तो जाना। मोहन से दिल क्यों लगाया, मोहन से दिल क्यों लगाया, ए मैं जानूंगा तो मोहन से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, पगड़ी वाला होता है ना, पगड़ी और इधर से तरवाल तलवार रखते हैं, वो कुछ दूसरे संप्रदाय के होते हैं। तो वो क्या किया, जैसे पीछे कुर्सी लगी है ना, वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे थे, ऐसे तलवार घुमा रहे थे, तलवार निकल करके तलवार घुमा रहे थे। फिर कुछ देर बाद पीछे बैठे थे कुर्सी में तलवार घुमाते फिर आगे आए, आगे कुर्सी में आकर बैठे, फिर तलवार घुमाई। तो मैंने कहा भाई क्यों डराते हो, तलवार क्यों दिखा रहे हो, आप कहो तो बंद कर देता हूँ। बोले नहीं आप तो गाओ, आपको कोई नहीं कर, आप गाओ। तो मैंने क्यों तलवार फिर क्यों, बोले वो तुम्हें जो बुलाया है
उसको ढूंढ रहा हूं। तो तुम्हें जो बुलाया है उसको ढूंढ रहा हूं। तो फिर मैंने गाया ओ मोहन से दिल को लगाया ए सजना मोजा मोहन से दिल को वृंदावन में तो आधा पागल ज्यादा है, आधा पागल ज्यादा है। तो भगवान की जो भक्ति करते हैं वह वृंदावन में उनको आधा पागल ही लगते हैं। कभी नाचते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, है? तो मैंने कहा हाँ आधा पागल तो बहुत है वृंदावन। तो इसीलिए कहा
कि कोई धन का पागल कोई धन दौलत का पागल कोई बेटा नारी का पागल अरे सच्चा पागल वो है जो पागल है मेरे बाके बिहारी। तो इसलिए एक रस का पागल आपने नाम सुना होगा, उनने एक भजन में कहा कि तेरे प्यार का आधा पागल है। क्या तेरे प्यार का आधा पागल है, पूरा पागल क्यों नहीं बना था? और जब तक पूरा पागल नहीं हो गए तब तक ठाकुर जी मिलना मुश्किल है। इसलिए पागल बनना चाहिए, नाचना नहीं आता है फिर भी नाचना चाहिए, ठीक है ना? तो इसलिए सभी लोग बोलेंगे क्या हो हंस से दिल को लगाया बोली बेटा खाने के बोलो। मैंने कहा बोलो माता जी। बोले खाने के बोलो, थारी कथा तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, थारी कंठ इतना मधुर है। मैंने कहा माता जी आपने कथा में क्या सुना, क्या स्टोरी सुनी आज? बोले मुझे बोली पतो। मैंने कहा क्या पतो, फिर क्या सुनी आपने? तो बोले बेटा खाने के बोलो। मैंने कहा बोलो माता जी। बोले मैं दिन में 10-10 गोली खाऊं नींद की तो मानी कोनी नींद आवे, और थारी कथा में बैठते ही नींद आवे। तो इसलिए नींद ना आ जाए, एक बार सभी लोग हाथ उठाकर क्या बोलना है? राधे राधे। हाँ, राधे राधे बोलेगी तभी नींद ना आएगी। इसलिए सभी लोग एक बार हाथ उठाकर ताली बजाकर क्या बोलना है? हाँ, सभी लोग राधे राधे बोलेंगे। एक प्यार से बोलो, ताली बजाके प्रेम से बोलो। राधे राधे, प्रेम से बोलो, प्रेम
वृंदावन में सब कीर्तन की कीर्तन का प्रभाव से उद्धव जी घास बनकर के भजन कर रहे थे। फ्रांसिस उद्धव जी भजन में तब महेश्वर ने पूछा, हे उद्धव, कृष्ण तुम्हें ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी, अभी हम भी कृष्ण विरह में भय दुखी हैं, बताओ अभी हमें कृष्ण कैसे मिलेंगे। उद्धव जी ने कहा, देखो मैंने यही प्रश्न कृष्ण को किया था जब कृष्ण ये संसार से जा रहे थे। कृष्ण ने कहा, देखो उद्धव जी, मैं ब्रह्मा का एक दिन में एक बार की दुनिया में आता हूँ। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है? बोले 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग। बोले 1000 चतुर्युग कितना? ध्यान देकर के सुना, कृष्ण कब ये दुनिया में आते हैं? हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, हर त्रेता में प्रभु राम नहीं आते हैं, हर कली में श्री महाप्रभु नहीं आते। बोले कब आएंगे? बोले ब्रह्मा का एक दिन में हिसाब लगाओ, ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है? बोले कलियुग का जो परम आयु 1,04,32,000 साल, ये कलियुग का परम आयु। बोले द्वापर युग का परम आयु, बोले इसका 2 गुना कर लो। बोले त्रेता युग का परम आयु, उसका 3 गुना कर लो। और सत्य युग का परम आयु कलियुग को 4 गुना कर लो। इसको एक महायुग कहते हैं। ऐसे 71 महायुग में एक मन्वंतर होता है। जब ऐसे 14 मनु बीत जाते हैं, फिर ब्रह्मा का एक दिन, मतलब बड़ी लंबा चौड़ा दिन है। उद्धव को कृष्ण ने कहा, मैं हर कलियुग में नहीं आऊंगा। बोले प्रभु, फिर आपका दर्शन कैसे होगा? बोले देखो, मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ, लेकिन कलियुग में मैं दूसरे स्वरूप में रह रहा हूँ। बोले कलियुग में प्रभु आप किस रूप में रहोगे? बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये भागवत ग्रंथ रूप में ये कलियुग में मैं रहूंगा। अगर कलियुग में ये भागवत कथा कोई सुनेगा, ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग नहीं। जो कथा सुन रहे हैं वो साक्षात रूप में मेरे साथ मिल रहे हैं। ये ठाकुर जी ये बात स्वयं बता रहे। बोले भागवत में 12 स्कंध है, 12 खंड है। प्रथम द्वितीय स्कंध बांके बिहारी के 2 चरण है। तृतीय चतुर्थ स्कंध ठाकुर जी के 2 जंघाए। पंचम स्कंध ठाकुर जी की नाभि कमल। षष्ठ स्कंध ठाकुर जी की बख्य स्थल। सप्तम अष्टम स्कंध ठाकुर का 2 हाथ। जो नवम स्कंध ठाकुर जी की कंठ। दशम स्कंध ठाकुर जी के मुखार बिंद। और 11 स्कंध ठाकुर जी की ललाट। और 12 स्कंध ठाकुर का सर। इसलिए ये भागवत ग्रंथ नहीं, बोले कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान अर्कना। जब भगवान ये दुनिया छोड़ने के चले गए, कलियुग की कल्याणार्थ ठाकुर जी ये भागवत ग्रंथ रूप में प्रकट हुए। जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, तथा अगर ये भागवत कथा रूपी ज्ञान को कोई सुनेगा, हमारा हृदय में जो अज्ञान है
ये सारे अज्ञान हमारी समाप्त हो जाएगी। जब उद्धव जी ये बात बताए, हे रे महेश्वर बोले भैया फिर तो आप कथा सुना। देखो ये भागवत कथा ये सबसे पहले कौन कहा किसको सुनाए, बोले श्री गिरिराज तले की नहीं, जहाँ पर उद्धव कुंड अब लोग गए, जहाँ कुसुम सरोवर गए हो राधा कुंड के बाद में कुसुम सरोवर, उधर कुसुम सरोवर और इधर उद्धव कुंड जी, वहीं पर एक महीना तक उद्धव जी ये महिष्यों को ये भागवत कथा सुनाए। जब ये भागवत कथा विश्राम हुई, ये भागवत ग्रंथ से साक्षात बांके बिहारी राधा जी को साथ में गोपियों को लेकर के स्वयं ठाकुर जी साक्षात रूप में दर्शन दिए। बोले श्रीमद भागवत कथा वृंदावकी जय। अरे महेश ने कृष्ण से मिले और कृष्ण से मिल करके उनका हृदय भर गया, उनको तृप्त हुई। अब देखना जब ये भागवत कथा 7 दिन में पूरी हो जाएगी ना, आप देखना हृदय में कितने शांति, हृदय में कितने आनंद मिलेगा, लगेगा सचमुच से जैसे ठाकुर हमें मिल गए, जैसे आप कथा सुन रहे हो। ये कथा नहीं, ये बांके बिहारी जी से मिल रहे हो, कथा नहीं सुन रहे हो, ठाकुर जिसे हम साक्षात रूप में ठाकुर जी से मिल रहे। फिर उन्होंने बताया देखो ये कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा में कैसे सुननी चाहिए, कथा सुनने का नियम क्या है। कल हम सुना रहे थे कथा जो सुनते हैं दो तरह के श्रोता है, एक श्रेष्ठ श्रोता और एक साधारण श्रोता। जो श्रेष्ठ श्रोता वो 4 तरह के, बताओ तो किसको याद है, कौन बोलेगा। मैंने कल बताया था जो श्रेष्ठ श्रोता 4 तरह की, बोलो तो कौन बोलेगा, हाथ उठा, कम से कम एक श्रोता का नाम बता, सब भूल गए हो। पहला नंबर हंस है, हंस है, हंस को जैसे दूध दो, देखो कथा ध्यान से सुननी चाहिए, ऐसे नहीं कथा सुने यहीं कथा समाप्त हम भी समाप्त हो गए, नहीं, कथा सुन करके जाओ घर में, बच्चों को भी सुनाओ, पतियों को भी सुनाओ, सास ससुर को भी सुनाओ, जिनको भी सुनाओ उनका भी कल्याण होगा, ठीक है ना। देखो एक समय एक व्यक्ति एक दुकान में मूर्ति खरीदी करने गए, देखा 3 मूर्ति बराबर की, तो उन्होंने पूछा भैया ये 3 मूर्ति का कीमत क्या, बोले पहला जो मूर्ति इसका कीमत 100 रुपये, बोले दूसरे बोले 500 रुपया, बोले तीसरे बोले 5000, बोले क्यों ये 3 मूर्ति तो बराबर है, बोले अगर इसकी फर्क समझना चाहते हो 3 गिलास पानी लो, लाओ अभी मैं समझाता। जिसका कीमत था 100 रुपया की, जब उसको कानों में पानी डाला ना, जिधर डाला उधर निकल कर गया, बोले इसका कीमत 100 रुपया की, बोले क्यों कि जो सुनता है ना जिधर सुनता है उधर निकाल देता है। दूसरा नंबर जिसका कीमत था 500 रुपया, इधर डाला तो उधर सीधा निकल करेगा, बोले ये कथा तो सुनता है लेकिन इधर सुनकर इधर निकाल देता है। जिसका कीमत था 5000 की, उसको कान में पानी डाला ना, एक बूंद भी बाहर नहीं निकला, सबके सब अंदर में चला गया, बोला इसका कीमत 5000 रुपया, बोले क्यों जो कथा सुनता है ये पूरा जो पूरा ये अंदर में ले जाता है। अब बताओ कितने पैसा की मूर्ति कथा श्रोता होनी चाहिए, 5000, ये ना ठीक है ना। सबके सब कोशिश करना कथा सुने और दूसरों को भी जाकर कथा सुनाए, अपना भी कल्याण और दूसरा का भी कल्याण होगी, ठीक है। इसलिए पहला नंबर क्या था, हंस, जैसे हंस को दूध दो वो दूध दूध को तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देगा, इसलिए हमें सार ग्रहण करनी चाहिए, असार ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या था बोलो, मैं एक नंबर बोल दिया आप बोलो। दूसरा नंबर मधुमक्खी, एक मक्खी और एक मधुमक्खी, मक्खी कहाँ बैठता है गंदी चीज में, मधुमक्खी कहाँ बैठता है फूलों में, भले कांटा वृक्ष में कहीं फूल क्यों नहीं हो, देखना वहां भी बैठ करके सहज लेकर के बड़ी सुंदर छता बना देती है। हमें मक्खी नहीं, हमें मधुमक्खी बननी चाहिए, हर चीज से अच्छी अच्छी चीज को ग्रहण करो और असार चीज को छोड़नी चाहिए। तीसरा नंबर बोलो मछली, मछली को देखना उसका आंखों का जो पलक कभी झपती नहीं, एकदम खुली हुई आंखें रहेगी, बोले कथा कैसे सुननी चाहिए, मछली जैसे एक मन से टक टक लगा करके कथा की एक शब्द मिस नहीं हो जाए, हर कथा को हृदय में
धारण करनी चाहिए। बोले चौथा नंबर क्या है, बोलो, बोले चातक। ये चातक एक चिड़िया है, वो कभी भी किसी नदी का पानी नहीं तो किसी तालाब का पानी पिएगा नहीं, केवल स्वाधि नक्षत्र का पानी पिएगा जब बारिश आए। हर समय वो पक्षी बोलता है प्यासा हम प्यासा हम, वो चित्कार करते रहता है पानी 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 पानी। उसी तरह जैसे चातक स्वाधि नक्षत्र का पानी पीता है, हमें भी उसी तरह का कथा सुनेंगे तो इधर उधर की कथा नहीं सुनेंगे, सुनेंगे तो ठाकुर जी की कथा सुनेंगे। ऐसे नहीं बैठ करके सारा दुनिया की बात को हाँ उसने ऐसे किया उसने ऐसे किया बिना कारण की ये बकवास करते रहे। बोले नहीं, ये जो मानव शरीर हमें मिला है कोई नहीं रूप हीरे ठाकुर जी दिया है, इसलिए भगवान राम कहते हैं अयोध्या वासियों को, हे अयोध्या वासियों ये मानव शरीर नहीं, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। ठाकुर जी कहते हैं जो एक एक शब्द मुंह से निकले केवल ठाकुर का ही कथा निकले, केवल ठाकुर का बाणी मुंह से निकले, क्योंकि 84 लाख जन्म में एक ही जीवा मिला जिस जीवा से हम कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते हैं, और कोई भी राम राम कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोल सकते हैं, सभी की मुक्ति की दरवाजा सभी का बंद है, केवल ये मानव जन्म में खुला हुआ मुक्ति का दरवाजा। इसलिए और ठाकुर जी किसी को नहीं दिए जो कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते हैं, इसलिए चातक जैसे बन करके वाणी निकले तो ठाकुर के नाम ही निकले, ठाकुर की कीर्तन ही मुंह से निकले। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण, बोलो कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए अच्छे श्रोता चार तरह के, बोले और भी तीन तरह का है, एक श्रोता एक सरोता और एक श्रोता। बोले श्रोता कौन है, बोले जो देख देख करके बैठे, बोले भैया कहाँ बैठने पर बढ़िया से नींद आए, हैं वो देख देख कर बैठता है नींद, जहाँ बैठने पर बढ़िया नींद आई, कहती ये श्रोता नहीं ये सोता है। बोले दूसरा है सरोता, बोले भैया सरोता क्या है, बोले जो कथा सुनने नहीं आते वो केवल दोष देखने के लिए आते हैं। बोले भैया यहाँ तो तोता लगाए गए, ये तो नवग्रह की पूजा ही नहीं किया, ये केले का पेड़ कहाँ है, जिससे कथा से जिनकी कोई मतलब नहीं है केवल दोष ढूंढने के लिए आए, कहती ये सरोता है। बोले श्रोता कौन है, जो सार सार वस्तु को ले और असार वस्तु को त्याग दे, इसलिए हमें सही श्रोता हमें बननी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कथा सुनने के लिए जो पहला गुण है, बोले विश्वास गुरु वाक्य सुन, पहला नंबर हमारी विश्वास होनी चाहिए, सबसे पहले ये चीज है। अगर विश्वास नहीं होना कथा सुनो तभी कथा सुनने का फल हमें नहीं मिलेगी। देखो कैसे विश्वास होनी चाहिए, बोले एक समय कोई एक शिष्य रोज एक नदी पार करके गुरु जी के आश्रम में सेवा करने आता था और वापस चला जाता था। एक दिन जन्माष्टमी आ गई, कृष्ण तो रात 12 बजे जो प्रभु जन्म लेते हैं, अभी ठाकुर जी जन्म हुए प्रसाद हुई, चला ने कहा गुरु जी मैं तो घर में वापस जाना चाहता हूँ। गुरु जी ने बोले क्यों, एक रात रुक जा कल चला जाना, अभी रात 1 बजे कहाँ जाओगे। बोले गुरु जी इसमें एक रहस्य है। बोले बताओ क्या रहस्य है। बोले मैं जब घर में जाता हूँ आपको याद करता हूँ, कल गुरु जी के आश्रम पर जाऊंगा सेवा करूंगा ठाकुर जी आरती दर्शन करूंगा, घर में रह करके आपकी चिंता होता है, अगर आश्रम में रहूंगा ना फिर मेरे बीवी बच्चों की याद आए। अभी गुरु जी बताओ सही क्या है। बोले बात तो सही बता रहे हैं। बोले ठीक है बेटा तू घर में चला जा। बोले गुरु जी जाऊं कैसे, बीच में एक नदी आती है, जो नदी पार करता है वो तो सो गया होगा, फिर पार कैसे होगा। गुरु जी ने कहा देख बेटा तेरे को मैं एक मंत्र लिख करके देता हूँ, ये मंत्र को हाथ में अच्छे तरह से पकड़ना
और नदी के ऊपर में चलते 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 पार हो जाओ। बोले ऐसे मंत्र बोले। हाँ, गुरु जी ने मंत्र दिया, हाथ में पकड़ा सचमुच से, वो पानी के ऊपर चलते 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 जा रहा। बोले भैया गुरु जी ने क्या मंत्र दिया जो पानी के ऊपर में चलते चलते जा रहा हूँ। करी करी नदी पार ही हो गया। उसको मन में बड़ा कुतूहल हुआ, गुरु जी इसमें लिखा गया जो पानी के ऊपर चल रहा है। इतने वो पेपर को खोला तो उसमें लिखा हुआ था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। उसमें ठाकुर का नाम लिखा हुआ था, क्योंकि जो भगवान का नाम है, कितना हो गए भवस पार लेकर नाम तेरा, वाल्मीकि अति दीन है न था, पूरे कर्म में सदा निता, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भवस पार लेकर नाम तेरा, हो गए भवस पार लेकर नाम तेरा। उसने नाम लिखा हुआ था। देखो अभी तो चलते चलते जा रहा था, लेकिन जब पेपर को देखा उसमें हरे कृष्णा लिखा हुआ। बोले भैया इसमें केवल हरे कृष्णा कुछ हुई नहीं, केवल ठाकुर जी का नाम। पहले तो विश्वास था पार हो रहा था, अभी विश्वास घट गई तो छट पानी में डूब गई। उसी तरह पहला जो नंबर है विश्वास होनी चाहिए, ठाकुर जी के नाम का प्रति विश्वास, कथा में पहला विश्वास होनी चाहिए, फिर तो फिर कथा हमें पूर्ण रूप में फल प्रदान करती है। जो कुछ मांगोगे भागवत हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री सुखदेव गोस्वामी जब भागवत का प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। बोले भैया मंगलाचरण का मतलब क्या? बोले मतलब है कोई भी काम करो मंगलाचरण को साथ में करो, ठाकुर जी का स्मरण करते हुए तुम्हारे सब काम बढ़िया हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने तीन श्लोक में मंगलाचरण किया। जो भागवत का जो प्रथम श्लोक है, बोले भैया भागवत ग्रंथ का आराध्य कौन है? हम संबंध जुड़े तो जिसको साथ में संबंध जुड़े, बोले जन्मादस्य जतोन्द्रियादितरतश्च स्वार्थे स्वभिक्ख स्वराज तेने ब्रह्म हृदा जो आदि कवय मोहन्ति जत सूरयो तेजो बारी मृगम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा धामना स्वीन सदा निरस्त कुहकम सत्यं परम धीमहि। तो जो परम पुरुष है भगवान श्री भगवान कृष्ण को हमने ध्यान किया है। बोले भैया क्या केवल कृष्ण को ध्यान किया ना और कोई? बोले नहीं केवल कृष्ण को नहीं, यहाँ पर जो परम शब्द है भगवान की पराशक्ति श्री राधा जी यहाँ शिक्षा देते हैं। राधा कृष्ण जुगल को ही ध्यान करनी चाहिए, अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए कोई एक संत था बड़ा और सुंदर एक पद लिखा, मैं तो श्याम रंग में रंगी, मतलब कृष्ण रंग में मैंने रंग गया। ये पद बड़े बड़े रसिकों के पास में गया, बड़े सुंदर खुश हुई, वाह कितने सुंदर पद है। लेकिन श्री महाप्रभु के श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त श्री जीव गोस्वामी हुए, जब इनको पास में पद गया ना, इन्होंने एक श्लोक लिख करके संत के पास में भेज दिया। देखो वो श्लोक क्या कहता है, बोले अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत अटबी असंभाष तत भाव गंभीर चीता उतः श्याम सिंधो रस श्यावगा। बोले भैया कहते हो कृष्ण भक्ति रस में डूब गया। बोले हाँ, बोले इतना आसानी नहीं कृष्ण भक्ति पाना। कृष्ण जैसे तीन जगह से टेढ़े है ना, उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी खीरी है, भक्ति भी बड़ी टेढ़ी खीरी है। इसलिए एक भजन गाए,
तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, जमुना तेरी टेढ़ी, गोकुल तेरी टेढ़ो, तेरी रे तेरी तेरी जसदा ढोकरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। बोले कृष्ण का सब टेढ़ी, वृंदावन में गए होंगे, सब गली भी टेढ़ी, कृष्ण भी टेढ़े, सब की यमुना भी टेढ़ी, सब के सब टेढ़े हो। बोले भैया वो टेढ़े टांग को पाना बड़ा कठिन है। अगर वो टेढ़े टांग को पाना चाहते तो एक काम करोगे तो टेढ़े टांग वाले मिल सकते हैं। बोले क्या है? बोले अनाराध्य राधा पदा भोजनी। बोले जब तक श्री ईश्वर जी की शरण को आश्रय ग्रहण नहीं करोगे, दूसरी क्या है, राधा रानी की चरण द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम के जब आश्रय ग्रहण नहीं करोगे। अब सबसे बड़ी वस्तु है राधा जी की प्रेम रस में जो संत डूबे हुए हैं, जब तक तुम उनकी शरण में नहीं जाओगे ना भैया, कृष्ण भक्ति पाना इतने आसानी बात नहीं। इसलिए आप वृंदावन जाओ, वृंदावन तो बांके बिहारी की भूमि है, लेकिन कोई भी देखना, कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं वृंदावन में, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। हाँ, वृंदावन में सबके सब श्री राधा जी के नाम लेते हैं, क्योंकि राधा रानी बड़ी दया, बड़ी कृपालु श्री राधा रानी। इसलिए कल सुन रहे थे ना, अगर किसी ने राघर बोल दिया तो कृष्ण उसको चरण में लुक जाते हैं, अगर कोई धा बोल दिया ना, बस कृष्ण उसको पीछे पीछे भागते रहते हैं। इसलिए बोले राधे राधे रत्न चले आएंगे बिहारी। इसलिए प्रथम श्लोक में श्री जुगल भी राधा कृष्ण दोनों के चरणों को प्रणाम करते हैं। बोले श्री जुगल सरकार की जय, जय श्री राधे। बोले जो दूसरी श्लोक है ये भागवत प्रतिज्ञा करता है। देखो ये कथा की कितने महत्व है, कहते एक श्लोक में तीन अत्र आया, अत्र मतलब ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। बोले पहला अत्र किया है, बोले धर्म प्रोजीत कैतव अत्र। बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कोई धर्म अर्थ काम यहाँ तक भी मुक्ति की बात भी इसमें नहीं, केवल विमल राधा कृष्ण के प्रेम की बात है। दूसरा अत्र बोले सत्य हृदय अवरुद्ध ते अत्र। ये भागवत कथा की इतने महत्व है, जैसे आप घर में हो लेकिन आपको पता चला भागवत कथा होने जा रही है, अभी घर में बैठे हो, अगर इतनी सी केवल इच्छा हो जाए कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो जाऊंगा, इतना इच्छा मात्र से ठाकुर जी उसके हृदय में ऐसे बंध जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं ठाकुर जी, हृदय से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही। कहते अगर सचमुच से कोई आए और कथा में बैठ गए, सुखदेव गोस्वामी कहते भैया उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते, कितने सौभाग्यवान के भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। बोले भैया कथा कौन सुन सकते हैं? बोले सभी नहीं सुन सकते, केवल दो व्यक्ति सुन सकते हैं। बोले कौन? बोले रसिका भूमि भावुका। जो रसिक और जो भावुक है वही दो व्यक्ति कथा सुन सकते हैं। इसलिए शंकर की, इसलिए पार्वती को कहते हैं, बोले कौन कथा सुनेगा? बोले अति हरि कृपा जा परम होइ, अति हरि कृपा जा हरि कृपा जा संगत सोई अति हरि कृपा जा पर होइ।
इसलिए गोस्वामी शंकर जी कहते पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर जी का डायरेक्ट कृपा हो जाए, दो तरह की उनकी कृपा, एक घुमा फिरा करके और एक सीधा। जिसको ऊपर में ठाकुर की डायरेक्ट कृपा हो जाए, शंकर कहते पार्वती पाव देही संगत सोई, तभी वही व्यक्ति कथा में आ सकते हैं, नहीं तो कथा में सब नहीं आ सकते। इसलिए कल सुन रहे थे ना, जैसे आपका घर में कोई शादी हो, नहीं कोई फंक्शन हो, उसमें कौन आएगा? जिसको आप बुलाओ, भले हजार किलोमीटर दूर में हो, लेकिन निमंत्रण कार्ड दिया ना वहां से आएगा। लेकिन तुम्हारी घर को पास में ना नीचे दीवार को बाद में किसका घर है, अगर आप नौता नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में आएगा वो? आएगा नहीं। इसलिए शंकर जी कहते ठाकुर जी पार्वती जिसको ठाकुर जी नौता दिए ना, भैया कथा में आओ, वही व्यक्ति ही ये कथा में पाव देही या संकत सोई, तभी ये सत्संग में भागवत कथा में वही केवल आ सकते, सभी नहीं आ सकते हैं। इसलिए समझो ठाकुर जी आप लोगों को पास में ना नौता भेजा है, ठाकुर जी ने आप लोगों को बुलाया कथा में आओ, तभी आप लोग ये कथा में आप लोग आए हो। क्या जो तीसरा जो श्लोक है वो आशीर्वाद है, बोले भैया भागवत हमें क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? बोले निगमा कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भूमि भावुका। बोले आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, कल्प वृक्ष को नीचे बैठे। कल्प वृक्ष का मतलब है जो मांगो वही मिलेगा। हमारे गुरु जी कथा सुनाते थे, एक समय कोई एक राजा शिकार खेलने गया, खेलते खेलते बड़ी दूर तक चला गया, शाम हो गया, प्यास हमारे बुक फट रहा था, एक वृक्ष को नीचे बैठ गया। उसको पता नहीं था ये वृक्ष कल्प वृक्ष है। वो सोच रहा है अगर मैं राजमहल में होता तो रानी कितने सुंदर जूस ला करके मेरे को पिलाती, इतना इच्छा करते देखा स्वर्ग से बड़ी सुंदरी सुंदरी अप्सरियां उतर करके आ गई, बड़ी सुंदर जूस लेकर। बोले महाराज पियो। बोले भैया इच्छा मात्र से मिल गया। फिर सोच रहा है अगर राजमहल में होता तो रानी छापान भोग छत्री से व्यंजन ला करके खिलाती, इच्छा करते देखा बड़ी सुंदरी सुंदरी अप्सरियां आ गई, छापान भोग छत्री से व्यंजन सामने धर दिया। बोले भैया जो मांग वही मिल जाता है, भोजन कर लिया। सोचता है अगर राजमहल में होता है ना, बड़ी सुंदर गजदंत पलंग के ऊपर में कितना आराम से सो जाता, देखा कहां से चतुर्मुख से एकदम झांक जैसे बोला पलंग सुंदर पलंग आ गया, वो सो गया। इसलिए कहते कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जो मांगो आपको वही मिलेगा। बोले आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, कहां पर बैठे हो? कल्प वृक्ष पर नीचे बैठे हो। ये भागवत ऐसे के कल्प वृक्ष है, बोले दुखी को सुख प्रदान करता है, निर्धन को धन प्रदान करता है, रोगी को निरोग प्रदान करता है, संतानहीन को संतान प्रदान करता है। जो मांगो भागवत वही दे देगा। हाँ देखो और एक चीज ध्यान देकर सुना, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। ये भागवत तो सब दे देगा लेकिन सोच करके मांगो। उदाहरण दिया, कोई गरीब ब्राह्मण था, उसको पास में एक गैया थी, उसने धन कुबेर को आराधना की, जो सारे धन का खजाना जिसको पास में, धन कुबेर खुश हो गया, बोले बेटा वर मांगो। लेकिन बेचारा गरीब ब्राह्मण बोले कुबेर जी मेरे पास में एक गैया है, खाने के लिए थोड़ा चुना उसे दे। बोले बेकू, अरे मैं तेरे को इतने धन दौलत दे सकता हूँ, तू भी खा, तेरे बेटा भी खाए, तेरे बेटा भी खाए, तभी खत्म नहीं होगा, और कुबेर को मांग रहे हो थोड़ा चुना भूसी। उसी तरह जो भगवान है उनसे ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांगोगे ना सब चीज तुम्हें मिल जाएगी। अगर ये दुनियादारी चीज को मांग लोगे ठाकुर तो दे देंगे, लेकिन हम जैसे वंचित हो जाएंगे, हम वंचित हो जाएंगे। लेकिन ठाकुर को ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांगो तो इसी जीवन में भी सुखी और उसी जीवन में तो सुखी सुखी आनंद ही आनंद है। कहते वो क्या है? बोले भगवान की भक्ति, ठाकुर जी की चरण की सेवा। इसलिए मांगना है ना, हनुमान जी से सीख लो। आप लोग हनुमान जी का नाम सुने हो? कौन कौन हनुमान जी का नाम सुने हो? जब माता सीता जी को उधार करके ले आए
भगवान राम हनुमान के ऊपर में इतने प्रसन्न हो गए। बोले हनुमान अगर तुम नहीं होता तो सीता को उद्धार करना बड़ा कठिन था, तेरी कृपा से माता सीता की उद्धार हुई। आज मैं तेरे ऊपर में इतने खुश हूँ, जो मांगोगे मैं सो दे दूंगा। हनुमान जी क्या मांगते हैं? बोले बार बार बर मांगो भक्ति सदा सतत। ठाकुर जी आपकी चरण में बारंबार एक चीज की प्रार्थना करता हूँ, आपकी चरण में अनुपायनी निष्काम भक्ति दो और उस संतों के संगत, क्योंकि भक्ति अगर मांगो ना भगवान वशीभूत हो जाते हैं। अगर ठाकुर जी वशीभूत हो गए ना विश्व ब्रह्मांड तुम्हारी वशीभूत हो गई। अगर पिताजी की संपत्ति अगर तुम्हें मिल गया, पिताजी अगर तुम्हें अपना लिया भगवान, फिर सारे संपत्ति का तो तू ही मालिक बनोगे, तू ही तो मालिक बनोगे पिताजी की। इसलिए क्या चीज मांगो ठाकुर को? भक्ति मांगो, प्रेम मांगो, सेवा मांगो, इससे सब चीज मिल जाएगी। देखो हनुमान जी को देखो, अपना दुख तो गया सारा, दुनिया के दुख दूर करते हैं, रिद्धि सिद्धि वैभव संपत्ति जो कुछ माना श्री हनुमान जी सब कुछ दे देते। इसलिए भगवान से उनकी भक्ति प्रार्थना करनी चाहिए। बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम। बोले ये भागवत क्या है? बोले वेद रूप में कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। बोले एक में तो पका हुआ फल, बोले सुख मुखात अमृतम। उसने फिर तोता ने उसको चोंच मारी। एक एक कहावत है, तोता जिस फल में चोंच मार देना उसमें ज्यादा मिठास आ जाती है। इसलिए भागवत तो अमृत है ही है, लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी की मुखारविंद से ये कथा निकली उसमें और भी ज्यादा आनंद आ गया, और भी ज्यादा मधुर हो गया। बोले ऐसे क्यों? बोले कारण क्या? बोले कारण ही कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण तोता नहीं। बोले ये किसकी तोता है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। बोले ये राधा जी की प्रिय तोता है, राधा रानी जिसको अपना हाथों में बैठा करके अनारा की दाना खिलाती थी, जिससे कृष्ण नाम जिनको पढ़ाया करती थी, कभी कभी राधा रानी जिनको चुंबन करती थी कृष्ण रूप मान करके। इसलिए राधा जी की जो अधरामृत, ये तोता की मुंह में राधा जी के अधरामृत लगी हुई। इसलिए ये जो राधा रानी कौन है? बोले वैदक्य सिंधु रसमूर्ति कृपायक सिंधु बात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपाद सिंधु। बोले श्री राधिके स्फुरतो में रस केले सिंधु। जैसे सात समुद्र है उसी तरह राधा जी के अंदर में सारे समुद्र है, सारे प्रेम की समुद्र, बात्सल्य की समुद्र, वैदग्ध की समुद्र, रस की समुद्र, सारे समुद्र राधा जी के अंदर में सारे विद्यमान श्री किशोर जी के अंदर में। इसलिए जिस सुखदेव गोस्वामी की मुंह से जब ये कथा निकली है ना उसमें और भी ज्यादा सा मिठास आ गया। बोले भैया ये जो फल को खूब पियो। हाँ देखो यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल आप लोगों को बताओ तो फल को खाते हो ना फल को पीते हो? बोलो फल को खाते है ना फल को पीते है? फल को खाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोले पियो। बोले भैया पिएंगे कैसे? आप तो फल बता दिया। बोले ये ऐसे के फल है जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें रसी रस है। जैसे किसी जूस को रस को पीते हो तो किधर से पीते हो? मुंह से ना कानों से? कोई जूस को पीते हो किधर से पीते हो? मुंह से। लेकिन अभी जिस रस को पान कर रहे हो किधर से पी रहे हो? कानों से। बोले ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती है, जिसको कानों से पी जाती। देखो मुंह से पीना कानों से पीने में क्या फर्क है? कोई भी चीज अगर आप मुंह से पियोगे नीचे निकलेगा ही, आप रोक नहीं सकते, लेकिन जो चीज को कानों में पियोगे वो कभी निकलेगा।
वो कभी निकलेगा नहीं। इसलिए कहते भागवत रस को मुंह से मत पिया करो, किधर से पियो, कानों से जिस रस को पिया। बोले भैया कब तक पिएंगे, बोले पी पी करके जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते हो तब तक पियो। बोले जब उठे बोले फिर पियो। जैसे शराब पीजे ना, वो कब तक शराब पिएगा, बोले जब तक बेहोश नहीं हो जाता है, फिर उठने के बाद फिर क्या करेगा, फिर पिएगा। इसलिए बोले भैया इसको छोड़ना नहीं, इसको पीते रहो छोड़ना नहीं। बोले भैया पीते तो है लेकिन निकल जाती है। बोले हमारे में बहुत सारे चेद है, काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य, ये बहुत सारे छेदी छेद सब निकल जाती है। लेकिन उन्होंने एक बढ़िया बात बताया। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, जैसे कि कलसी है, ध्यान देकर सुनो, जैसे कि कलसी उसमें छेदी छेद है, अगर कोई चीज डालोगे ना सब निकल जाएगी, लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है भले ही उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो अगर उसमें कोई चीज डालो उत्तम नहीं निकलेगा, बता सकते हो ऐसे कौन सा उपाय है, उसमें पानी डालो रस डालो लेकिन निकलेगा नहीं भले ही उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो। हाथ उठा तो कौन बोल सकता है, कौन कौन बोल सकता है। हाँ उसमें एक उपाय बताया, अगर उसको पानी में उसको डुबो करके रख लो ना, अगर कलसी को पानी में डुबो करके रख लो भले ही उसमें जितने छेद हो फिर वो निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी में डूबा हुआ है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर ये कथा रूपी रस में अगर हम डूबे रहेंगे भले ही जितने तुम्हारे अंदर में काम हो क्रोध हो लोभ हो एक बूंद नहीं निकलेगा। जैसे देखो हम सभी का अंदर में काम क्रोध लोभ है, लेकिन जैसे कथा में बैठे हुए हो अभी कोई काम सता रहा है ना, लोभ सता रहे ना, लोभ मोह सता रहे, कोई चीज हमें याद ही नहीं, हम तो ठाकुर को चिंता में ही डूबे हुए हैं। लेकिन जब कथा से निकल जाओ, देखना पैंडल से बाहर निकलो, काम क्रोध लोभ फिर आकर झट पकड़ेगा। लेकिन जब तक कथा में बैठे हो ना तब तक आपको ये कोई सता नहीं सकते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भैया मुंह रहो, हर समय कथा रूपी रस में डूबे रहो, निकलना नहीं, निकलोगे तो ये काम क्रोध तुमको सताएगा हैं। इसलिए बोले भैया रस को पिए कौन, बोले जब ये रस को सब भक्तों ने पिए है लेकिन पूर्ण रूप में अगर कोई पिए है ना, बोले ब्रज की गोपियां, ब्रज की गोपियां इसको पूर्ण रूप में पिए है। देखो एक सुंदर कथा सुन, एक समय ब्रज में कोई नवेली आई, नवेली जानती हो जो नया शादी करके आती है, ब्रज में कौन शादी करके आती है साधारण नहीं, जब कृष्ण जन्म होते ही बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जिन लोगों ने कठोर तपस्या की वही ब्रज में ही गोपी रूप में शादी करके आती है, वो कोई साधारण लड़की नहीं, लेकिन शंकर जी स्वयं गोपी बन करके जाते हैं प्रभु की रास दर्शन करने के लिए। गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती वो गोपी है। ब्रज में कोई एक नवेली आई, कृष्ण रोज गैया चराने के लिए जब जाते हैं बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी ठाकुर जी बंसी बजाते हैं, और बंसी ध्वनि को सुन करके जितने ब्रजवासी जो जो कोई काम करता हुआ होगा ना सब छोड़ कर आ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण सवेरे जाएंगे शाम का आएंगे दर्शन नहीं मिलेगा। अभी जो नई जो गोपी आई ना, बोले मैं भी कृष्ण का दर्शन करने जाऊंगी, लेकिन उसको जो सास ससुर थे बोले बोले बहू जी तू मत जाइयो, बोले क्यों, बोले वो काला सांप एक बार अगर डांस देगा ना काट देगा तो जहर नहीं उतरेगा, बोले तू डोकरी होकर के जा रहे हो, ससुर डोकरा होकर के जा रहे हैं, ननद जा रही है, सबके सब जा रहे हैं, किसको काटेगा नहीं, वो मेरे को काट देगा, बोले तेरे को ही काटेगा और किसको काटेगा नहीं, क्यों, वो अभी नई शादी होकर के आई, पूर्व जन्म में कठोर तपस्या करके वेद का ऋचाई ऋषि लोग तपस्या करके गोपी बन करके आती है, बोले तेरे को ही काटेगा, बोले तो मैं तो जरूरी जाऊंगी, वो किसकी बात मानी नहीं, आ करके अपना घूंघट उठा करके कृष्ण को दर्शन कर रही थी, कृष्ण को पता कौन कहां पर किस रूप में मुझे दर्शन कर रही है। अब ये गोपी की भाव को बढ़ाना, इतने में कृष्ण ने किया कि ये गोपी को तरफ में एक बछड़े के मुंह करके उसका पूछ को ऐंठ दी, वो बछड़ा फुदकते हुए वो गोपी को पास में पहुंच गया, कृष्ण उसको बहाना बनाए और वो गोपी को पास में आए, अपना बंसुरी से उसकी कपल के ऊपर में थोड़ा बंसुरी की स्पर्श कराए,
और थोड़ी मीठी मीठी मुस्कुराए, एक बार तिरछी चितवन से उसको तरफ में देखे, बोले उनकी तिरछी चितवन नहीं वो तीर है, अगर इधर लेगा ना उस पार चल जाती है, उनको मीठी मीठी हंसी नहीं है जादू है, और उनका जो स्पर्श नहीं ये जादू है। कृष्ण का स्पर्श तिरछी चितवन और मीठी मीठी हंसी को देख करके वो गोपी ठगी सी ठगी रह गई। कृष्ण तो उसका मन प्राण चित्त को चोरी करके कृष्ण लेकर के चले गए। अभी सबके सब वापस आ गए, लेकिन उनका सास नणंद ने देखा, भैया ये बहू कहाँ गई, ये बहू आई नहीं, आकर के देखा वो तो ठगी से ठगी कर, क्यों इसकी मान प्राण चित्त कृष्ण लेकर के चले गए। बोले तेरे को मैं पहले मना कर रही तो तू मत जाया करो, काला सांप काट जाएगा तो जर नहीं उतरेगा, तेरे को काट गया ना, तू मेरी बात नहीं सुनी, चलो तेरे को थोड़ा घर का काम में लगा देती हूँ, मन वापस आ जाएगा। बोले यहाँ पर बैठो थोड़ा दधि मंथन करो। वो सांस थोड़ी देरी बाद में आकर के देखती है वो दधि मंथन क्या करेगी, और राय को लेकर के मंथ रही। बोले क्यों, उसका मन हुआ है कि मन तो गया, एक मन सो गए श्याम सके, वो राई मंथन कर रही थी। बोले इसको मन वापस कैसे लाए, बोले एक काम पर जाओ कुएं से पानी भर करके ले आ। सर गोबर में दो तीन कलसी रख दी, एक बच्चे को हाथ में पकड़वा दी, वहां पर और भी कुछ गोपियां पानी भर रही थी, ये कलसी में क्या फांद लगाएगी रस्सी की, उसको साथ में जो बच्चा था ना उसको गले में फांद लगा दी, और वो बच्चे को ही कुआं में डाल रही थी। कुछ गोपियों ने कहा, भैया इसको तो भूत लग गया, इसको भूत लग गया, लेकिन वहां पर तो अनुभूति संपन्न गोपियां भी खड़ी थी, बोले इसको भूत नहीं लगा, नंद बाबा मैया जशोदा का पूत लग गया, इसको पूत रूपी भूत भूत लग गया। साधारण भूत लग जाएगा वो तो उतर जाती है, लेकिन ये कृष्ण रूपी भूत अगर लग गया ना ये सहज में उतरने वाले नहीं, इसलिए काले कपरिया के ऊपर में चढ़ना गुजरन, उस ऊपर कोई रगी नहीं लगती है। इसलिए कहती है भागवत हमें क्या आशीर्वाद देती है, बोले ये आशीर्वाद देता है अगर कृष्ण भक्ति रस में डूबना है ना, ये गोपियां जैसे तन मन को पूरा कृष्ण भक्ति रस में डूबो दिया, ऐसे अपना मन प्राण को कृष्ण भक्ति रंग में पूरा रंगा लो, यही भागवत आशीर्वाद देती है। अगर कृष्ण भक्ति अगर हमें मिल गई गोपी जैसे समझो, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी राधे की जय, जय जय श्री राधे। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिने के झुंड गगन भारत सांद, जय 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 प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रहें, जहां जहां प्यारे पग धरे हरि नाम धरे कौन, कि जहां जहां पग प्यारी लाल धरे कि मोर मुकुट की दाशनी, कि मोर मुकुट की निरीची छवि, लाजत मदन करोर चंद्र बदन सुख सदन पे
भावुक नैन सको तो आइए सांवरे से कौन प्यार करते हैं? कोई नहीं करते हैं यार, करते हैं। सांवरे से प्यार कौन कौन करते हैं? देखो अभी भी समझ नहीं आ रहा। अरे प्यार करते हो तभी तो यहाँ आए हैं, लेकिन हाथ नहीं उठा रहे हैं। ये पता नहीं क्या है सांवरे। हाँ सांवरे से प्यार सभी लोग करते हैं, तभी तो यहाँ आए हैं कथा में, नहीं तो नहीं आते। क्या एटा में इतने ही लोग हैं? इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन जो जो प्यार करते हैं सांवरे से वही यहाँ आए हैं। तो ये सांवरे से जो प्यार करते हैं, अरे सांवरे रसिया से हो गई मेरी सांवरे रसिया से हो गई मेरी हो गई मेरी यारी सांसो यारी लागे यारी हो गई मेरी सांसो यारी लागे यारी सांवरे 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 रसिया हो गई मेरी सांवरे रसिया से हो गई मेरी जो आए हैं ताली बजा कर कीर्तन जरूर करना, ताली बजाना, नाच ना सको कोई बात ना, लेकिन ताली बजाना। देखो भगवान कीर्तन में नाचने का कितना महत्व है, ये पद्म पुराण की कथा, एक कथा सुन लो। एक समय कार्तिक की महीना में कोई भक्त भगवान के दरबार में दिया जला रही थी। अभी वो दिया धीरे धीरे बुझने जा रही थी, एक चूहा वो घी पीने का लोभ से पहुंच गया। जब वो घी पी रहा था उसको दांत में लग गई बत्ती, बत्ती लगते ही वो पीछे हटा, हटते ही वो दिया जो बुझने जा रही थी दिया हो गया तेज, और उसको मुंह में थोड़ा आग लग गई, दो चार बार छलांग लगा दी। देखो ठाकुर कितने दयालु बांके लिया, बांके बिहारी कितने दयालु। देखो बोले भैया ये दिया बुझने जा रही थी, ये चूहा ने दिया को तेज कर दिया और दो चार बार छलांग लगाया, मानो मेरे को आरती उतारते हुए मेरे सामने लिख दिया नाचा। इतनी सी पुण्य से अगले जीवन में वो चूहा राजकुमारी बनकर के जन्म लिया, राजा गया, और उसकी हृदय में ठाकुर का प्रति प्रेम रहा। फिर भक्ति करते करते ठाकुर जी गोलोक वृंदावन में अपना पटरानी बनाकर के जन्म लिया। अगर एक चूहा दो चार बार छलांग लगा करके अगर इतने पुण्य हो, अगर भाव से कोई ठाकुर के सामने नृत्य करे, ये शास्त्र कहता है जो ठाकुर के सामने नाच ले ना। देखो हम दुनिया में सब नाच रहे हैं, बताओ कौन नहीं नाच रहा है? कोई बहू के सामने नाच रही है, कोई बेटा का सामने नाच रहा है, कोई पैसा के सामने, कोई सास को सामने नाचती है, कोई ननद को सामने नाचती है, फिर तो ये 84 लाख जन्म में नाच ही रहे, बताओ कौन नहीं नाच रहा है? बोले कब तक ये नाचेंगे? बोले जब तक ठाकुर के सामने नहीं नाच ले तो। एक बार उसको सामने नाच लो ना, दुनिया में किसी को सामने तुम्हें नाचने का जरूरत नहीं। अगर उसको सामने नहीं नाचोगे तो फिर दुनिया को सामने नाचेंगे। अभी देख लो नाचना तो किसको सामने नाचेंगे? दुनिया के सामने नाचेंगे, ठाकुर जी के सामने नहीं। इसलिए सभी लोग एक बार खड़े हो जाए, पैर सीधा कर जाए, बहुत देर तक बैठा है। सांवरे Oh, give me your heart.
अरे माखन चोर तुम्हारी हाँ मेरे
हाथ उठाकर जोर से बोलिए क्या बोलना है। बहुत धीमी सी आवाज आ रही है। आज बहुत व्रत है क्या? व्रत तो नहीं है आज, लेकिन जोर से बोलेंगे क्या बोलना है। हाँ प्यार से बोलेंगे, प्रेम से बोलो। अभी कलयुग आने पर स्वर्णकाय ऋषियों ने ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले पितामह ब्रह्मा जी ये कलयुग से हम बच्चे कैसे। बोले मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, वो चक्र जहाँ गिरेगा समझना वो पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ करके भजन करो, ये कलयुग तुम्हें व्याप्त नहीं कर सकता है। बड़ी दिनों से यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते करते उनका हृदय में जल गई, लेकिन मन में शांति नहीं हो रही थी। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुत्तो गोस्वामी वहां पर आए, तो उन्होंने सुत्तो गोस्वामी को आसन देकर के बोले, हे सुत्तो गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से ये जितने वेद पुराण उपनिषदों का आपने अध्ययन किया और इसका सार को आप समझे हो, अभी ये कलयुग आया है। ये कलयुग में बोले प्राप्त कलयुगे घोरा नरापुरम विवर्जिता। बोले ये कलयुग में प्राय करके परमा कम हो, सत्य युग में 1,00,000 साल जिंदा रहते थे। आप सुने होंगे वाल्मीकि ने इतने तपस्या की सारा शरीर दिमाग चाट गए, हिरण्यकश्यप ने तो 10,000 साल तक एक जगह पर खड़े होकर के तपस्या की। इसलिए सत्य युग में 1,00,000 साल जिंदा रहते थे, त्रेता युग आया उसने 108 हो गया 10,000। द्वापर युग आया, 10,000 से 108 कितना होगा 1,000 हो गया। कलयुग आ गया, 1,000 से 108 कितना होगा, कितना होगा 100। बोले जब घोर कलयुग आएगा ना, 100 से 108 कितना होगा 10। क्योंकि ये कलयुग में हाइब्रिड से सब चीज मिलती है, कोई चीज आपको शुद्ध नहीं मिलेगी, भले ही घी में लिखा हुआ शुद्ध घी मिलेगी नहीं आपको, सब उल्टा पुल्टा मिलावट हर चीज में।
इसलिए कलयुग में धीरे धीरे परमायु धीरे धीरे घटते जाएगी और कलयुग में बोले मन का सुमंद मत हो, लोगों का जो मन है स्वाभाविक रूप में गंदे काम में जाएगी। भजन करना तो मन को कहाँ खेचा खेची करके किसी तरह से भजन में लगाना पड़ता है, स्वाभाविक रूप में लोगों का पाप में मन वृद्धि है। इसलिए बोले कलयुग में प्राप्त कलयुग घोरा, कहते कलयुग में क्या होगा घरा पुण्य विवर्जिता, कोई पुण्य पुण्य कुछ करेंगे नहीं, दुराचार रता सर्वे, सबके सब दुराचारी बन जाएंगे, कोई सच नहीं बोलेगा झूठ झूठ बोलेंगे। ये कलयुग में बोले ये कलयुग में फिर क्या है बोले मंदा सुमंद मत हो, बड़ा बुद्धि मंद बुद्धि होगा। फिर जुबद्रुता मतलब क्या है, देखो ये कलयुग में पहले ये टीवी इंटरनेट स्मार्टफोन नहीं होता था, लोग क्या करते थे घर में गीता पढ़ते थे रामायण पढ़ते थे भागवत पढ़ते थे कहीं सत्संग में जाते थे। लेकिन अभी घर घर में टीवी आ गया, हमारे गुरु जी कहते ये टीवी नहीं ये कली है, ये कली ही वो स्वयं एक टीवी बन करके आ गया। पहले एक चैनल एक था, अभी सारा दुनिया की चैनल घर में बैठी बैठी करके सारा दुनिया को देख लो, बिना कारण से बुद्धि को खराब करते रहो बिना कारण से। इसलिए फिर ये जो स्मार्टफोन आ गया फिर तो ये बच्चों को पूरा के पूरा सबको बिगाड़ दिया है, दिन भर फोन लेकर के बैठे हुए हैं। इसलिए कलयुग में ये जो जीव है इसका मन स्वाभाविक रूप में गंदी चीज में जाएगी। फिर झुपद्रुता, झुपद्रुता मतलब क्या, अगर थोड़ी माताएं अगर सत्संग में आए थोड़ी सी रंग चढ़े अगर थोड़ी सी भजन पूजा पाठ करे ना, पति बोलेगा भैया कौन सा साधु के चक्कर में तू पड़ गई हो, जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जाती हो। अगर पति अगर सत्संग में आए थोड़ी सी भक्ति की रंग चढ़े, पत्नी बोली काम नहीं करना पड़ेगा जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो, इसलिए पत्नी भी भजन करने नहीं देगी। अगर बच्चे अगर सत्संग में आए थोड़ी सी अगर गले में कंठी तिलक लगाए बोली ये तेरे कोई उम्र है भजन करने का, लेकिन बेटा अगर शराब पीता है सिगरेट फूकता है जुआ खेलता है बोली ये तो उम्र है, लेकिन थोड़ा भक्ति में लग जाए ना बोली कोई उम्र है भजन करने का तेरा, ये अभी से ही सब तुमने कैसे लगा दी। बोली ये कलयुग में बड़ा उपद्रुत भजन में, अब गंदे काम में जाओ कोई रोकेगा नहीं ठोकेगा नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रभु का भजन करो ना। मीरा ने जब भजन की, भजन बुरी बात थोड़ी है, उसका पति पीछे पड़े थे जेठ ननद सास यहाँ तक भी एक कुत्ता भी उसको पीछा नहीं छोड़ा, पूरा उसको पीछे लग गया। बोले ये कलयुग में भजन करना बड़ा कठिन है, इसलिए आप कृपा करके बताओ कलयुग का जीव कल्याण कैसे हो। तब इन्होंने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किया और जो 6 प्रश्न का उत्तर ये पूरी भागवत आज मैं बताऊंगा। ये 6 प्रश्न किया फिर मैं कल आपसे सुनूंगा, जो बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। ये 6 प्रश्न किया जो कल मेरे को बोल देगा, अब ध्यान देकर सुनो। इनका पहला प्रश्न है ये आत्मा को शांति कैसे मिले। देखो ये करोड़ रुपया की प्रश्न है, हम जीवन में जो कुछ करते हैं सुख शांति के लिए है ना, लेकिन एक आश्चर्य की बात देखना, सामने हमारी एक समस्या, सोचते हैं अगर ये एक समस्या दूर हो जाए ना फिर हमें चैन मिलेगी। अब लेकिन अब प्रैक्टिकल रूप में देखना, एक समस्या तो दूर हुई नहीं, सामने 2 समस्या आ जाती। अरे सोचते हैं भैया 2 समस्या अगर दूर हो जाए चैन मिलेगी, देखना 2 समस्या तो दूर नहीं हुई, सामने 3 समस्या। जैसे मकोड़े वो जाल बनाते बनाते ऐसे फंस जाते हैं उसको अंदर में प्राण त्याग देते हैं। हम भी जिंदगी भर हम सुख किसको मानते हैं, बोले जीवन में सुख तो आती नहीं, हम सोचते हैं शायद ये दुख दूर हो जाएगी सुख मिलेगी, लेकिन कभी जिंदगी में किसका दुख दूर हुई है। एक बार में समुद्र में लहर देखना, एक बार में दूसरे दूसरे के बाद में तीसरे तीसरे के बाद में एक ऊपर लहरी आती जाती रहती है, कहते उसी तरह केवल दुख का प्रतिकार को ही सुख मानते हैं लेकिन जीवन में सुख नहीं आती है, केवल प्रतिकार शायद ये हो जाएगी शायद सुख मिलेगी, ऐसे करते करते देखना जिंदगी खत्म। 100 साल के हो गए देखना 2 साल का प्लानिंग बना के बैठा हुआ, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। इसलिए इनका पहला प्रश्न है कि आत्मा को शांति कैसे मिलेगी।
अगर हमारा पास में धन दौलत तो पुत्र परिवार सब कुछ है लेकिन ये शांति नहीं, बताओ उसका कोई महत्व है? लेकिन अगर दो रोटी में अगर हमें शांति मिलती है ना, ये बहुत बड़ी चीज, अगर दो सूखी रोटी में अगर हमें शांति मिलती है। इसलिए इनका जो प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, कभी ये करोड़ रुपया के प्रश्न है। ये पहला प्रश्न याद रहेगा, किसको किसको याद हो गया, याद हो गया ना, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, अब इसका उत्तर हम सुनेंगे। दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? देखो एक प्रश्न से दूसरी प्रश्न जुड़ी हुई है। पहला प्रश्न शांति मिलेगी कैसे, बोले शांति तभी मिलेगी जब भगवत प्राप्ति हो, लेकिन वो भगवत प्राप्ति कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या है, भगवत प्राप्ति के दूसरे उपाय। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, बोले राम विमुख कभी सुख नहीं पावा। भगवान से विमुख हो करके रावण जैसे व्यक्ति को भी सुख नहीं मिला। लेकिन ये हमारे मन में क्या एक धारणा बैठा, जानते हो, शायद ज्यादा पैसा कमा लेंगे ना, शायद संसार में सुखी हो जाएंगे। अब अंबानी का नाम जाने, सुने हो, कौन को सुने हो, दुनिया जानते हो। देखना है कि रोड में जो व्यक्ति मजदूर काम करता है वो जितना चैन से रात को सोता होगा, अब अंबानी को देखना उसको रात में, उसको कुछ रात में नींद आती है। अभी जैसे मोदी हमारा देश का प्राइम, आप लोगों ने रावण का नाम सुने हो, कौन कौन रावण का नाम सुने हो, दुनिया जानते हो। उसका लंका कैसे था, सोने की लंका। हमारे पास में कितना पैसा होगा, एक किलो सोना होगा, दो किलो होगा, दस किलो, बीस किलो, इससे तो ज्यादा सोना नहीं होगी ना। लेकिन रावण का पूरा लंका ही सोना ही सोना, उसका बेडरूम में सोना, किचन रूम में सोना, डाइनिंग में सोना, बाथरूम में सोना, सोना सोना ही सोना, लंका सोने की सोने। रावण की पत्नी का नाम क्या थी, मंदोदरी। आपको पता है मंदोदरी का मतलब क्या होता है, मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर, जिसकी कमर बहुत पतली थी उसी समय में वो विश्व सुंदरी थी। वो किसकी बेटी है, उसका पिताजी का नाम कौन है, जानते हो मंदोदरी का पिताजी का नाम क्या है, विश्वकर्मा। उसने सारी अच्छी अच्छी गुण दे करके मंदोदरी को नन बनाई थी। उस समय मिस क्या बोलते हैं ना, विश्व सुंदरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिस यूनिवर्स उस समय थी। इतने सुंदरी, जहां से सुंदरी गंधर्व मिली, पकड़ पकड़ करके उसने अपना पत्नी बनाया था, एक से एक सुंदरी। सोचते हैं शायद बढ़िया छोरा मिल जाएगा ना, सुखी मिल जाएगी। बेटा का नाम था मेघनाद, नाम सुने के लिए इंद्रजीत, जिसने इंद्र को परास्त किया, पिताजी के लिए प्राण नौछावर कर दी। उसको पास में इतने धन दौलत थी लेकिन वो चैन से नहीं जी रहा था, बेचैन से जी रहा था। लेकिन एक व्यक्ति केवल चैन से जी रहा था लंका में, बताओ तो वो व्यक्ति कौन था। हाँ लगता है सब पंडित यहाँ बैठेंगे, बहुत अच्छी बात है। कहते विभीषण वहां पर चैन से जी रहा था, बोले क्यों, कारण है ठाकुर जी की शरण में था, भगवान की शरण में था, इसलिए चैन से जी रहा था। इसलिए हनुमान का पूछ में जब आग जलाए ना, देखना उसने पूरा लंका जला करके राख बना दिया, लेकिन एक व्यक्ति का घर छोड़ दिया था। किसका छोड़ दिया था, विभीषण का। इसलिए हनुमान जी कौन है, बोले शंकर जी स्वयं ये संहार करता है। वो भी शिक्षा देते हैं, अगर प्रभु का भजन नहीं करोगे ना, सारे संसार को जला करके राख बना दूंगा, अगर ठाकुर जी की शरण में जाओगे तो कौन बच जाओगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, राम से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी शांति नहीं मिली, वो भी बेचैन से जी रहा था। इसलिए दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति के सबसे सरल उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न है, हमें भगवान की श्री बांके बिहारी जी की हमें कथा सुना। चौथा प्रश्न है, केवल बांके बिहारी नहीं उनके जितने अवतार हैं, कितना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानी भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान श्रियाम्यहम्। भगवान जैसे रामा अवतार में रावण को वध किए, जैसे भगवान वामन अवतार में बलि महाराज को पर में कृपा की, जैसे भगवान मत्स्य अवतार में वेद उद्धार की, कुर्मा अवतार में मंदाराचल पर्वत को पीठ के ऊपर धारण की,
वराहावतार में पृथ्वी को उतरने की, इसलिए आप कृपा करके हमें ये बताओ भगवान की जितने अवतारों की कथा सुनाओ। इनका जो पंचमा प्रश्न था भगवान की अद्भुत लीला कथा सुनाओ, कृष्ण कैसे छह दिन में पुतना कुमारी, एक महीना में शकटासुर को, तीन महीना में तृणावर को, चार साल में अघासुर, पांच साल में बकासुर, छह साल में काली अगर सर पर नृत्य की और सात साल में प्रभु जी गिरिराज गोवर्धन उठा ली। हमें प्रभु जी की अद्भुत जस सुनाओ। और जो छठवा प्रश्न है, भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर के गए, अभी धर्म कलियुग में कहाँ निवास कर रहा है? उन्होंने उनको छह प्रश्न की, छह प्रश्न सुन करके सुत गोस्वामी की रोम रोम खिली उठा। बोले क्यों? बोले उनका जो प्रश्न था ना, ये भगवत संबंधी प्रश्न था, कोई इधर उधर की बात नहीं थी। संत कब खुश होते हैं, उनको पास में जाकर के दुनिया की बात नहीं करनी चाहिए, केवल एक हरि की बात करनी चाहिए, क्योंकि जो सही संत हैं वो भगवत चिंतन में डूबे रहते हैं। अगर उनकी अगर उल्टा पुल्टा इधर उधर की बात करो, उनको भगवत स्मरण हमें छुड़ा करके उनको विषय चिंता में लगा देते हैं। लेकिन जो सही संत हैं वो कभी जादू टोना उल्टा पुल्टा ये सब नहीं करते हैं। दिन भर हनुमान जी क्या करते हैं, तुलसीदास जी क्या करते हैं, प्रभु की भजन में ही डूबे रहते हैं। इसलिए सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। बोले वाह, तुमने कितने सुंदर प्रश्न किए हैं, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं केवल हरि की ही चर्चा है और दुनिया की कोई बात नहीं, हरि चर्चा में ही शांति है, उसी में ही सुख है। उन्होंने बोले मैं पहले अपना गुरु जी की चरण की पूजा करके फिर तुम्हारी प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसलिए उन्होंने गुरु जी की चरण में प्रणाम कर रहे हैं। बोले बंदाओ गोरो पाद पादो माँ परागा, बंदाओ गोरो पाद पादो माँ परागा, बंदाओ गोरो पाद पादो माँ परागा, बंदाओ गोरो पाद पादो माँ परागा। दो खड़े का के लाभ पाऊं, बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताऊं, क्योंकि गुरु जी की कृपा के बगैर प्रभु नहीं मिलते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनो गुरु भवन भी तरई न कोई, जो बिरिंचि शंकर सम होई। बोले ब्रह्मा शंकर जैसे कोई बन जाए, अगर जीवन में सदगुरु नहीं अपनाए तो भगवत प्राप्ति असंभव। इसलिए गुरु जी के चरण में उन्होंने प्रणाम करते हैं। अभी गुरु जी की कहते भैया मेरे गुरु जी कौन? बोले से सुखदेव गोस्वामी। कहते ये सुखदेव गोस्वामी मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे, वो निकलना नहीं चाह रहे थे। व्यास देव जी ने कहा भैया मैया को इतने कष्ट क्यों दे रहे, भैया निकल कर कहा जा, आप देखना 9 महीना बच्चों को माताएं धारण करती है, कितना कष्ट माताओं को पता होगा। लेकिन जो व्यक्ति 16 साल तक गर्भ में किसी बच्चे को धारण कर, कितना कष्ट नहीं होगा। बोले भैया को क्यों कष्ट देते हो, भैया बाहर निकले करके आ जा। अंदर से आवाज आती है, बोले पिताजी यहाँ पर मैं बड़े खुश हूँ, क्यों? यहाँ पर प्रभु की भक्ति हो रही है, ये संसार माया की संसार है, यहाँ आते ही ठाकुर जी को जी भूल जाते हैं, इसलिए यहीं पर बढ़िया भजन हो रहा है, यहाँ पर मैं मस्त हूँ। देखो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते पिताजी ये संसार माया की संसार, कहते हर बच्चा मातृ गर्भ में जब 7 महीना हो जाए ज्ञान हो जाता है, फिर देखता है मैं टाटी पेशाब का थैली में पड़ा हुआ। कहते गर्भवास एक नर्कवास है, नर्क में जाना और पेट में जाना बराबर है, क्योंकि सर नीचा पैर ऊंचा रहता है और पेट में हिल डोल भी नहीं सकते हैं,
उसको ऊपर में एक पतला कवर रहती है, लेकिन पेट में क्या है, खून पीक टाटी पेशाब और कुछ है ही नहीं अंदर। इतने गर्मी पेट में आज अगर रसगुल्ला खाओ ना, कल बिष्टा बैठ करके निकलती, इतनी गर्मी पेट को अंदर में। वो बच्चा बड़ा कष्ट उठाता है, वो ठाकुर जी को स्मरण करता है, ठाकुर जी ये नरक से निकाल मेरे को। ठाकुर जी कहते बताओ अभी तू क्या करोगी। बोले ठाकुर जी मैं समझ गया दुनिया में कोई किसके है ही नहीं, सुख का समय में सारा दुनिया मेरे साथ में थे, पति पत्नी भाई बंधु सबके सब थे, लेकिन दुख भोग करते समय कहाँ वो पत्नी, कहाँ वो पति का, बच्चे का, कर्म का फल मेरे को अकेला लेना पड़ रहा है। प्रभु जी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ एक बार केवल ये नरक से मेरे को निकालो, मैं कभी भी ये झूठे संसार में फंसूंगा नहीं, उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा। भगवान कहते हैं क्या सच बोल रहे हो ना झूठ बोल रहे हो, ना कष्ट पा करके तुम झूठ बोलते हो और जन्म देते ही भूल जाओगे। बोले प्रभु मैं कसम खाता हूँ। भगवान ने कहा देखो अगर भूल जाओगे ना बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे। बोले जब एक बाल पक जाएगा, मेरे फर्स्ट वार्निंग है, जो एक बाल पक जाए, बाल पकना मतलब क्या, ऊपर जाने का समय होगी तुम्हारी। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर शीशा में देखे एक बाल पक गया ना उखाड़ देता, कहता हम इतने जल्दी बूढ़ा बूढ़ी बना रहे हमारा कुछ नहीं हुआ। अगर दूसरे बाल पक जाए उसको भी उखाड़ देंगे, तीसरा पक जाए उसको भी उखाड़ देंगे, अगर खिचड़ी बन जाए फिर कलर मेहंदी लगा कर फिर कलर फिर काला कर देते हैं। बोले हमारी कुछ नहीं हुआ, हम अभी तो चंगे हैं। ठाकुर जी कहते मेरे दूसरा बार नहीं तो बोले क्या दोगे। बोले आंखों में देखना कम होना लग जाएगी, लेकिन बढ़िया चश्मा लगा करके ढीलो होकर घूमते हैं। बोले हमारा अभी कुछ नहीं हुआ। बोले तीसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे। बोले एक एक करके तुम्हारी जो दांत को तोड़ना मैं शुरू करूंगा। लेकिन जब दांत टूट जाती है फिर हम क्या करते हैं, फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर के फिर बद्री दांत लगा लेते हैं और ठीक ला कर हंसते। बोले कुछ नहीं हुआ हमारी। भगवान कहते चौथा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे। बोले दो प्यार से तीन प्यार हो जाएगी। फिर डंडा लेकर के पकड़ के चलना बढ़िया। भगवान कहते फिर फिफ्थ वार्निंग नहीं दूंगा। बोले फिर बोले राम नाम सत्य है। देखो ये भगवान कहते हैं ये एक एक वार्निंग है, ऊपर से आवाज आ रही है। तुमने माती गर्भ में भगवान से वायदा किया था संसार में फंसूंगा नहीं, दिन रात तेरे नाम जप करूंगा। अगर किसको बोले भैया एक माला जप करो, बोले मेरे पास में समय कहाँ है, लेकिन टीवी देखने के लिए समय, गप्पे मारने के लिए समय, शादी में जाने के लिए समय, घूमने के लिए समय, सारे चीज के लिए समय निकालते हैं, लेकिन जिस काम में के लिए आए हैं उसी के लिए हमारे पास में कोई फुर्सत नहीं। फिर भगवान कहते माँ फिर तो जीव को फिर 84 लाख जन्म में गधे कुत्ते पेड़ पौधा होकर के फिर जन्म लेना पड़ता है, ये मानव शरीर नहीं देते। इसलिए हमें समय रहते भगवान की भजन कर लेनी चाहिए। देखो क्यों भक्ति करनी चाहिए। देखो एक समय एक व्यक्ति सुइसाइड करने जा रहा था। बोले क्यों। बोले भैया सोने में भी हाथ लगाओ वो भी मिट्टी बन जाती है, भगवान हमें कुछ भी नहीं दिया, सोने में भी हाथ लगाओ मिट्टी हो जाती, सुइसाइड करने जा रहा था। इतने में ठाकुर जी एक संत बन करके आ गए। बोले भैया तू कहाँ जा रहे हो। बोले सुइसाइड करने के लिए। बोले क्यों। बोले ठाकुर मेरे को कुछ नहीं दिया। बोले तेरे को ठाकुर कुछ भी नहीं दिया। बोले कुछ नहीं दिया। देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं। बोले एक काम करोगे, तेरे को मैं 10 लाख रुपया देता हूँ, एक आंख निकाल करके दे दोगे। बोले क्यों। एक आंख निकाल देंगे तो देखेंगे कैसे। बोले ठाकुर जी तू बोल रहा था ना ठाकुर तेरे को कुछ नहीं दिए, 10 लाख रुपया में भी तुम्हें एक आंख निकाल कर नहीं दे सकते हो, ठाकुर जी तुम्हें 2 आंख दिए, 2 आंख हिसाब लगाओ कितना हुआ। बोले एक काम करोगे 5 लाख रुपया देता हूँ, एक अंगुल काट करके दे दो। बोले कैसे अंगुल कैसे दे दो। बोले बोल रहा था ना ठाकुर तेरे को कुछ नहीं दिए, ऊपर 10 नीचे 10 20 अंगुल हो गया, मतलब 5-5 लाख देगा तो 1 करोड़ हो गया। बोले एक काम करोगे 10 लाख से कान काट कर दे दो। बोले कैसे कान काट दो। बोले दोनों कानों का हिसाब लगा 20 लाख हो गया। बोले एक काम करो। बोले क्या। बोले 20 लाख रुपया देता हूँ, एक हाथ काट करके दे दोगे। बोले हाथ कैसे काट करके दे दे। बोले हिसाब लगाओ दोनों हाथ कितना हो रहा है। बोले एक 50 लाख में एक किडनी निकाल कर दे दोगे। ठाकुर एक किडनी दे सकते थे लेकिन 2 दी। बोले क्यों। बोले एक अगर खराब हो गया दूसरा काम करेगा।
भगवान एक कान दे सकते थे, तुमने दो कान दी, बल्कि सोच करके अगर एक कान किसी तरह से खराब हो गए तो दूसरे कान काम करेंगे। ठाकुर एक आंख दे सकते थे, लेकिन ठाकुर तुमको दो आंखें दिए हैं, बोले क्यों, बोले एक अगर खराब हो जाए दूसरा काम करेगा। ठाकुर जी कितने सोच बूझ करके दिए, 5 लाख रुपया देने पर भी एक दांत तोड़कर हम नहीं दे सकते, पूरा ये शरीर के हिसाब कराओ तो अरब खरब रुपया की संपत्ति ठाकुर दिए। इसलिए सूरदास जी देखो क्या कहते हैं, बोले जिनी तनु देही ताही बिसराई कैसे नमक हरामी मोसम कोन कुटिल खलकावी। विपत्ति समय अगर कोई 100 रुपया देना, जिंदगी भर उसको ऋणी मानेंगे, भैया 100 रुपया दिया था, लेकिन तेरे को जिसने ये जीवन दे दिया, दुनिया के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। देखो हम दुनिया में क्या करते हैं, दूसरों को खुश के लिए सब कुछ करते हैं। आप लोग बताओ संसार में किसी को अभी तक खुश कर पाए, बेटे को खुश कर पाए सेवा करते करते, ना पति को खुश कर पाए, ना बहू को खुश कर पाए, आप किसको अभी तो खुश कर पाए बताओ, किसी को भी खुश कर पाए, कोई खुश है तुम्हारी पर भी, थोड़ी सी कोई गलती हो जाए ना, जिंदगी भर जो किया हुआ कर तू मेरे लिए क्या किया, एकदम झट आता है। ठाकुर ऐसे नहीं, सुदामा जी ने 2 मुठ चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्यों से दे दिया, भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी थोड़ी सी साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी, भगवान सोच रहे थे कब मेरे को सुजग मिले, इसी का ऋणी कौन नहीं होता। भरी सभा में लाज जा रही थी, ठाकुर जी वस्त्र बन करके प्रकट हो गए, 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। भैया ये जीवन में तुम किसी को भी खुश नहीं कर सकते, बदनाम के बगैर तुम्हें जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर भगवान के लिए थोड़ी सी करोगे ना वो कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए सूरदास जी कहते हैं जिनी तनु दही ताही बिसराई कैसे नमक हरामी मौसम को न कुटिल खलकावी। ये सूरदास का पद है। इसलिए हम लोग ने मातृ गर्भ में वायदा करके आए भजन करने के लिए, ठीक है ना, इसलिए सवेरे क्या करो, सारे काम को पीछे रख करके, संतों का कहना है 100 काम छोड़ कर अपना काम करो, 1,000 काम छोड़ कर अपना भोजन करो, लेकिन 1,00,000 काम छोड़ करके अपना भजन करो, क्योंकि अंतिम समय में वही पे जाएगा ना। देखना जब शरीर छूटेगा, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, बोलो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, आप ही बोलो, यही बोलेगा ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलेगा ना, बेटा जितने राम का नाम कृष्ण का नाम लिया ना वही जा रही है, एक सुई धागा भी यहाँ से नहीं जा रही है। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, उसको आगे नहीं जाएगी, परिवार जाएगा तो श्मशान तक जाएंगे, उसको आगे कोई जाने वाले नहीं, आगे जाएगी क्या, बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने प्रभु का नाम जप किया भजन किया केवल वही जाएगा। इसलिए मीरा कहती है वस्तु अमोल को दीमर सदगुरु कृपा करे अपना आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, केवल ठाकुर का नाम जाएगा, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके भगवान के लिए थोड़ी सी समय दो, थोड़ी सी समय उनके लिए दो, कम से कम 1 माला तक जप करो ठाकुर जी के लिए, जिसने सब कुछ दिया। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गुरु जी की वंदना की, फिर उन्होंने प्रश्न का उत्तर देते हैं। आप बताओ 6 प्रश्न में पहला प्रश्न क्या था, कौन बोलेगा, हाथ उठाओ। उन्होंने जो 6 प्रश्न अभी मैंने 6 प्रश्न सुनाया ना, 6 प्रश्न का पहला प्रश्न क्या था, कौन बोलेगा, बोलो। हाँ, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये 1,00,000,000 की क्वेश्चन है। हम जो कुछ करते हैं शांति के लिए, उन्होंने एक श्लोक में इसका उन्होंने उत्तर दे दिया। देखो ये श्लोक है, बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधोस्यगे आहाय तुकी अप्रतिहता जया आत्मा सम प्रसिद्धति। बोले हे सोनका ऋषियों, तभी ये आत्मा को तभी पूर्ण शांति मिलेगी जब ये जीव प्रभु की भजन करे, भगवान की भक्ति करे। बोले सबई पुंसांग, पुंसा मतलब जीव मात्र के, यही परम कर्तव्य है। बोले क्या, बोले ठाकुर को प्रेम करना, ठाकुर जी को प्रीति करना, क्योंकि जो जीव है
वो ईश्वर अंश जीव अनाश। हम सबके सब भगवान की औलाद है, ठाकुर जी की संतान है। इसलिए कहते हैं ना, बोले तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्यांग द्रविण तुम्हें सर्वम मम देव देव। भगवान हमारी पिता माता भाई बंधु ठाकुर जी है, हम उनकी औलाद है। हम साधारण घर के बच्चे नहीं, हम सबके सब अमृत पुत्र। एक छोटी सी कहानी सुनो। देखो मैं जितनी कथा सुनाता हूँ याद कर लेना, घर में जाकर भी सबको सुनाना। ऐसे नहीं यहीं पर कथा सुने और यहीं पर खत्म हो गया। एक सुंदर कथा सुनो। बोले एक समय कोई एक राजा था, राजा घर में कोई बेटा नहीं, राजा बड़ा दुखी है। लेकिन ये बड़ी कष्ट से सेवा पूजा करने के बाद घर में एक बेटा जन्म हुआ, बड़ा सुंदर बेटा। लेकिन ये किया हुआ बेटा बचपन में कुछ डाकुओं ने पैसा लोभ से बच्चों को किडनैप कर लिया। राजा तो बड़ा दुखी, बड़ा दुखी राजा। एक दिन एक संत आए, बोले महाराज सब कुशल मंगल है ना। बोले क्या कुशल मंगल, घर में बेटा नहीं था, ठाकुर को कृपा से के बेटा हुआ, पता नहीं कहाँ डाकुओं ने किडनैप करके ले गए। वो संत तो बड़े दिव्य दृष्टि के थे। बोले अभी मैं देखता हूँ तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। उनने ध्यान लगाया, ध्यान से उनने सब कुछ देख लिया। बोले महाराज तेरे बेटा अभी है। बोले अभी है, जिंदा है। बोले जिंदा भी है, ठीक ठाक भी है। बोले बताओ कहाँ पर अभी मैं उसको लाता हूँ। बोले महाराज बीच में और की गड़बड़ी हो गई। बोले क्या है। बोले जो डाकू लोग उसको उठा करके ले गए थे बचपन में, वो बच्चा अभी बड़ा हो गया। अभी वे कह रहे हैं हम ही तेरे पिता माता, वो छोटी सी कुटिया में रहता है, कहती यही तेरे घर है, क्योंकि बचपन में उठा करके ले गए, उसको होश नहीं था। बोले अगर आप बोलोगे पहले मैं उसको समझाऊं, अगर आप ले आओगे ना आपका बात नहीं मानेगा, वो अगर समझ गया तो फिर उसको ले आओ। बोले बाबा ये तो बड़ी कृपा होगी आपकी। तब वो संत गए, उसको अकेले देख करके बुलाया। बोले बेटा इधर आ जा। बोले तेरे पिता माता कौन है। बोले जो डाकू लोग थे। बोले ये मेरे पिता माता। बोले तेरे घर कहाँ है। और छोटी सी झोपड़ी थी। बोले ये घर। बोले बेटा तेरे को सही बात बताता हूँ। बोले बताओ। बोले ये तेरे पिता माता नहीं, ये तेरे घर नहीं। बोले क्या बोल रहे हो। मैं बचपन से यही देख रहा हूँ। बोले इसीलिए तो तेरे को बोल रहा हूँ बेटा, ये देश का जो राजा रानी है ये तेरे तेरे पिता माता है। एक दिन ये देश का तू राजा बनने वाला। जब तू छोटा बच्चा था इन लोगों ने पैसा लोभ से तेरे को किडनैप किए ही, और वो कह रहे हैं हम ही तेरे पिता माता। दे पिता माता की चेहरा में बच्चे का चेहरा मिलता मिलता नहीं। कभी कभी कहते ना देखो इसको अंदर में इसकी माँ की चेहरा आया। कभी कभी कहते देखो इसको अंदर में इसको पिताजी की चेहरा आया, नहीं तो दादा की चेहरा आया। देखना कभी कभी बच्चे में पिता माता का मिला हुआ चेहरा आता है। बोले देख तू कितने सुंदर लंबे चौड़े कितने सुंदर, जिसको पिता माता कहते हो चेहरा में चेहरा मिलाओ, और जो राजा रानी को तुम चेहरा में चेहरा मिलाओ, देखो किसको साथ मिलता है। अभी तक तो उसने कभी ये बात में ध्यान ही नहीं दिया। जब उसने ये बात बताई अभी उसने सोचने लग गया, देखा भैया ये डाकू गुंडे को साथ मेरा चेहरा तो एकदम नहीं मिल रहा, ये तो दिखने में बड़े भयंकर है, मैं तो बड़े लंबे चौड़े गोरे रंग के, राजा रानी को साथ में मेरे चेहरा मिलता है। बोले बाबा आप तो सही बता रहे। बोले घर में जाओगे। बोले हाँ मैं जाना चाहता हूँ। बोले ठीक है अभी मैं राजा को बताता हूँ। उन्होंने आकर के राजा को सारी बात बता दिए। बोले तेरे बच्चे को मैंने समझा दिया, वो समझ गया। जाओ उसी स्थान पर ये डाकुओं को बीच में चारों तरफ में घेराव करो, और डाकुओं को मार मार के जेल में बंद कर और बेटे को वापस ले आओ। जो बेटे को वापस लाए ना, बोले हे भगवान राज महल मेरा घर है, कहा झोपड़ी में रह रहा था, रोज छापान भोग 36 व्यंजन खाते हैं, कहाँ सूखे रोटी भी नसीब में नहीं मिल रहा था, और ये गुंडों को मैंने कह रहा था मेरे पिता माता। देखो अभी बड़ा आनंद ही आनंद है। देखो ये जो कथा हमारी जीवन की कथा है, इसलिए वेद कहता है हम कौन है। बोले अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र है, भगवान के औलाद है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हे अर्जुन, पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता, विश्व ब्रह्मांड के पिता माता मैं। लेकिन ये जीव मेरे को भूलने का वजह से संसार में ये 84 लाख जनी ये भटक रहे हैं, जन्म मृत्यु का चक्र में पड़े हुए हैं।
बोले हे अर्जुन जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आते हैं बोले तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात पराम शांति, तभी जीवन में पूर्ण शांति मिलेगी जब हम अपना पिताजी कौन है भगवान है जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन न जत्र रोग न जरान मृत्यु, जहाँ पर रोग शोक जन्म मृत्यु नहीं, जहाँ पर कोई बुढ़ापा नहीं आता है, कोई मरते नहीं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक से ऊपर आनंद आनंदमय धाम ठाकुर का धाम, हम सबके सब वहीं के रहने वाले, लेकिन अभी हम सबके सब किडनैप है, हम अभी के सबके सब किडनैप हुए हैं, मानते हो सबके सब किडनैप हुए हो? ये पिता माता कब रहेंगे जब तक शरीर, उसके बाद में एक जन्म नहीं कितने जन्म से हर जीवन में पिता माता मिलते हैं, छोड़ना पड़ता है, हर जीवन में मिल रहे छोड़ रहे। बोले कब तक भैया छोड़ोगे पकड़ोगे? जब तक तुम असली पिताजी के पास में नहीं पहुंच जाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं जहां पर है, जहां पर आनंद आनंद ही जहां पर है वो ठाकुर का धाम है। इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी कहते हैं हे परीक्षित, तभी जीवन को पूर्ण शांति मिलेगी जब जीव ठाकुर जी की शरण में जाएगा। ठाकुर जी की शरण में गए बगैर जीव को शांति नहीं मिलेगी। हाँ देखो अभी प्रश्न होता है, भैया हम सबके सब तो ठाकुर को भक्ति कर ही रहे, देखना किसी ना किसी रूप में भक्ति करते हैं, प्रश्न है फिर शांति क्यों नहीं मिलती? तो उन्होंने दो उदाहरण देकर समझाए भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। पहला नंबर बताए भक्ति निष्काम, भक्ति हमारी निष्काम हो। लेकिन ये हमारी भक्ति कैसे, जैसे ठाकुर के पास में गए 10 रुपया की फूल की माला लेकर गए चढ़ाई, लेकिन एक पर्ची भी चढ़ाई, वो पर्ची में कम से कम 10 करोड़ की पर्ची हो। बोले ठाकुर जी ठीक से ये चीज को समझो, ठाकुर जी इसलिए 10 रुपया की माला चढ़ा रहा हूँ, मेरे देखो मेरे घर के सामने उनकी कितने सुंदर कार है, उनकी भी 3 मंजिल, अभी मैं 1 मंजिल में, अभी मैं साइकिल में चलता हूँ, अभी कार में चल रहे हैं, हमारे घर की ये काम नहीं हुई, बेटी की शादी नहीं हुई, बेटा का नौकरी नहीं, मतलब कम से कम 10 करोड़ों की पर्ची दे देंगे। ठाकुर जी मेरे घर में आओ बस काम को करके, अब नौकर बन करके मेरे घर का सारे काम को कर दो। कभी ये भक्ति नहीं हुई तो बिजनेस हो गई, ये भक्ति नहीं है हमारी बिजनेस हो गई। ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, ठाकुर को तो बोलो भक्ति करते रहो, लेकिन ठाकुर को सब कुछ पता, ठाकुर अपने आप करेंगे। जैसे नरसिंह भगत है वो भक्ति करता था, घर में बेटी अभी शादी के लायक, बेटी को शादी कौन करवाएगा, कृष्ण स्वयं जाते हैं शादी कराने के लिए, क्यों, वो तो दिन भर मेरे भजन में लगा हुआ, उसको काम फिर कौन करेगा। इसलिए ठाकुर जी को मांगने का जरूरत नहीं, ठाकुर अपनी आप दे देंगे, उनको मांगो मत, उनको निष्काम होकर उनकी भक्ति करते रहो। देखो एक उदाहरण दे समझो, जैसे तुम्हारे 2 बेटे हैं, पिताजी की बहुत संपत्ति है, एक बेटा कहता है पिताजी तभी आपकी मैं सेवा करूंगा, आपका नाम पर जितने प्रॉपर्टी पहले मेरे नाम पर लिखता हूँ तभी मैं सेवा करूंगा, एक बेटा कहता है पिताजी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, आप मेरे पिता माता आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं आपकी सेवा करना जरूरत है। एक बेटा मन प्राण से पिता माता की सेवा कर रहा है और एक बच्चा जोर जबरदस्ती करता है आपका मेरे नाम पर सब ट्रांसफर, बताओ तो पिताजी किसको सारे संपत्ति देकर ले जाएंगे, बोलो किसको देकर जाएंगे, जो मांगता है उससे देंगे ना, जो सेवा करता है उसको देकर जाएंगे, जो सेवा करता है। बोले भैया लाला इतनी अच्छा है, देखो दिन भर मेरी सेवा करता है, बोले इनके लिए इतनी संपत्ति रख करके जाऊं कभी जीवन में कहीं विपद नहीं आए, इतने चाहो से ज्यादा दे करके जाएंगे। उसी तरह जब भगवान की सेवा, हनुमान जी क्या करते देखो, दिन भर राम की तो सेवा ही कर रहे हैं ना, सारा दुनिया की संपत्ति का मालिक हनुमान जी, रिद्धि सिद्धि भाई। इसलिए कहते भगवान से कुछ मांगो मत, ठाकुर को निष्काम होकर के भक्ति करो। बोले ये एक हो, दूसरा कैसे, जो भक्ति है उदाहरण दिया जैसे शहद, हाँ जैसे शहद है, जैसे शहद को अगर ऐसे डालो ना, देखना उसमें एक धागा बन जाती है, उसमें एक धागा बन जाती है। बोले भक्ति कैसे होनी चाहिए, बोले निरंतर चलाई, हर काम में हर घड़ी में उनकी याद रहनी चाहिए, प्रभु जी की याद रहनी चाहिए। आप बोलोगे हम थोड़ी साधु संत है दिन भर माला लेकर भजन करने लग जाए, हमारा घर गृहस्थ भी है ना,
हम थोड़ी साधु संत दिन भर माला लेकर प्रभु का भजन करें, बोले माला लेने का जरूरत नहीं, जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो। जैसे पैसा कमाते हो, बगैर पैसा के तो संसार चलेगा नहीं, लेकिन पैसा क्यों कमा रहे हो, बोले ठाकुर को सेवा के लिए। बढ़िया बढ़िया रोज घर में बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, बोले क्यों बना रहे हो, बोले ठाकुर को भोग लगेगा। घर में झाड़ू लगाओ, कहाँ लगा रहे हो, ठाकुर जी के मंदिर में, ठाकुर जी की मंदिर में। बच्चे को प्यार करते हो, बच्चा किसने दिया, ठाकुर ने दिया। बच्चे बड़े होकर के ठाकुर को भजन करेंगे, अपना खुद स्नान करो, बढ़िया बढ़िया साड़ी कपड़ा पहनो, बोले क्यों, बोले गंदे कपड़े से ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे। ये गोपियां भी घर बार छोड़ करके साधु नहीं थे, घर में रहते थे, लेकिन जो कुछ हाथों में करते थे ठाकुर जी की सेवा मान करके करते थे, हाथों में काम करते थे और मुंह में ठाकुर जी की नाम लेते थे, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की, ठाकुर अब कुछ कुछ बोल नहीं रहे, हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम, बर्बाद हो गया। यही तो भक्ति है ना, भक्ति यही है, कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को ठाकुर को साथ में जोड़ दो, किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, भक्ति को साथ में अगर जुड़ गया तो बस हो गया। इसलिए हर समय प्रभु को याद रहनी चाहिए, उठते बैठते सोते भगवान के नाम जप करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जो दूसरा प्रश्न है, बताओ दूसरा प्रश्न क्या था, बोलो। पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, दूसरी प्रश्न क्या था, बोलो किसको याद, बोलो बोलो। हाँ, कलयुग में देखो ये बच्ची बड़ी ध्यान से सुनती है, इसलिए कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं भगवान को पता है कलयुग में का जो जीव है वो ज्यादा साधन भजन नहीं कर सकता है। सत्य युग में था तपस्या, बिना खाए पी हजार हजार साल तपस्या करते थे, अगर एक दिन कोई एक व्रत रखता है ना, कोई एकादशी व्रत, बोले भैया काम कर लो, बोले मैंने आज व्रत रखा है, बोले कलयुग में एक दिन भी बिना खाए पिए रह नहीं सकते, क्यों, ये शरीर में जब तक रोटी पानी दोगे तब तक शरीर चलेंगे, अगर रोटी पानी मत दो ये शरीर काम नहीं करेगी। इसलिए ठाकुर जी को पता कलयुग में तपस्या नहीं कर सकते है, इसलिए कलयुग में ध्यान था, लेकिन कलयुग में देखो मन इतने चंचल है, कृष्ण अर्जुन स्वयं कहते हैं चंचल ही मन कृष्ण, बोले वायु को हम बंद करके रख सकते लेकिन मन को नहीं, ये मन एक सेकंड में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम करके आ जाते हैं। इसलिए देखा कलयुग में ध्यान नहीं कर सकते, द्वापर युग में था यज्ञ, अभी यज्ञ करने के लिए पहला नंबर तो ब्राह्मण होनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण शुद्ध होनी चाहिए, बीड़ी नहीं फूकनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, गुटखा नहीं खानी चाहिए, संस्कृत प्रॉपर पढ़े हुए चाहिए, नहीं तो उल्टा पुल्टा मंत्र पड़ेगा तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए देखा फिर घी चाहिए, हवन सामग्री, हजार रुपया तो कितने हजार रुपया तो खर्चा हो जाएगी एक यज्ञ करने के लिए, कहां से इतना पैसा लाएगा। इसलिए बोले यज्ञ कलयुग में असंभव है। द्वापर युग में था अर्चन पूजा, अभी अर्चन करने के लिए पहले पंचामृत चला, दूध दही शक्कर घी, फिर फूल चंदन अंगूर कर्पूर चंदन, ये सारे षोडश उपचार मिलाओ, बोले भैया कलयुग में इतना कहाँ से पैसा लाएंगे सब सामान को लेने के लिए। इसलिए भगवान ने देखा ऐसे एक साधन रखे जो बिना परिश्रम बिना कष्ट से ये साधन हो जाए। ठाकुर जी बहुत सोच सोच करके बताए क्या, बोले बोले कलयुग के बलना माँ आधारा, कलयुग के बलना माँ आधारा, कलयुग के बलना माँ आधारा, कलयुग के बलना माँ आधारा।
राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जैसे एक पत्थर उठा करके पानी में फेंको देखना पानी में लहरी आएगी। तो उसी तरह जब हम भगवान के नाम लेते हैं इसकी जो आवाज चारी तरफ में गुंजित रहती है। ये शब्द ब्रह्मा है ठाकुर जी का नाम। ये जो हरे मतलब होता है हरि का नाम हरि से ही हरे हरे मतलब है जीवन में जितने दुख कष्ट जो हर ले कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। हरे नाम लेने से जीवन का दुख कष्ट चले जाए। बोले कृष्ण मतलब क्या? बोले हमारा मन बड़ा चंचल इधर उधर भटकता है। देखना मन की बीमारी बड़ा बीमारी मन इधर उधर भटकता है परेशानी टेंशन आती है। बोले क्रि शब्द अर्थ होता है ये भटकते हुए मन को जो भटकने नहीं दे खेच करके ले जाए इसलिए उनका नाम है क्रि। असना मतलब जो जीवन में आनंद दे। भटक तो ये मन को टेंशन होने नहीं दे और इसको जो खेच करके लाए और आनंद दे कृष्ण। और उसमें राम है एक नाम। बोले राम मतलब क्या? बोले सभी के हृदय में जो रमण करते हैं और जीवन में जो आराम है। अगर ये तीन नाम करोगे ना महामंत्र में तीन फल मिलेगा। पहला फल क्या? जीवन का दुख जाएगा। तीसरा किया चंचल मन शांत होगा आनंद देगा। और चौथा फल है जीवन में आराम मिलेगा। इसलिए ये प्रभु का नाम लेने से बड़ा शक्ति है ठाकुर का नाम में। हाँ देखो एक उदाहरण देते हैं। जैसे हमने बोल दिया आपका नाम क्या भैया? क्या नाम? कृष्ण गोपाल। हाँ जैसे ये नितिन उपाध्याय देखो शब्द की क्या शक्ति है। जैसे इनका नाम नितिन उपाध्याय मैंने बोला भैया नितिन उपाध्याय बहुत अच्छे निशान है हृदय बड़ा दयालु है परोपकार करता है दूसरे का दुख में दुखी बनता है दूसरों को दान देता है बड़ी अच्छी नजर है शब्द ही है ना बड़े खुश हो जाए। लेकिन अगर थोड़ी सी अपशब्द तो बोल दे फिर कितना क्रोध आ जाता है एकदम झट क्रोध आ जाता है। शब्द ही है ना ये तो शब्द और कुछ नहीं। अगर साधारण शब्द में अगर ऐसे शक्ति है फिर ठाकुर का नाम में क्या शक्ति नहीं ठाकुर का नाम में क्या शक्ति थी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं। आप खेती में कभी बीज बोते हो तो पेड़ पौधा लगाए होंगे देखना जो गेहूं लगाते हैं ये बीज को लेकर ऐसे जमीन में फेंक देते हैं जमीन में फेंक देते हैं। लेकिन देखना गेहूं का दाना उल्टा गिरे और सीधा गिरे लेकिन ये पेड़ होता है कैसे होगा बता? वो पेड़ सीधा होगा भले ही टेढ़े मेढ़े जैसे गेहूं का दाना क्यों नहीं गिरे निकलेगा सीधा। क्या तो उसी तरह जो ठाकुर का नाम है अगर किसी तरह से ठाकुर का नाम अगर मुंह से निकल जाए गोस्वामी जी कहते हैं राम ना सकई नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपना नाम की महिमा भगवान राम भी नहीं बता सकते हैं। हमारे बड़े गुरु जी एक कथा सुनाते थे जिस समय पुल बंद रहा था अब रामायण देखे होंगे जब पुल बंद रही थी बंदर लोग पत्थर ला रहे थे हनुमान जी उसको ऊपर में राम का नाम लिख करके जब छोड़ रहे थे वो तैर रहा था पर सीमेंट का काम जुड़ेगा कैसे एक के ऊपर रा दूसरे पत्थर के ऊपर मां लिखते थे वो अपने जुड़ जाते वो सीमेंट का काम करता था। भगवान राम बैठी बैठी थे देख रहे थे मेरे बाबा रे भैया मेरे नाम में कितने शक्ति है मेरे नाम को पत्थर के ऊपर लिख रहे तो तैर रहा है। भगवान राम ने देखा भैया मैं भी एक तो पत्थर उठा करके फेंक करके देखता हूँ बोले अगर सभी को सामने डूब गया फिर नाकन कट जाएगी। भगवान राम ने एक झाड़ी को अंदर में गए जैसे पत्थर बच्चे उठा कर फेंकते ना भगवान एक पत्थर उठाया फेंका वो डूब गया। बोले भैया ये क्या हो रहा है मैं स्वयं राम हूँ अब पत्थर फेंकता हूँ तो डूब रहा है। उन्होंने और एक पत्थर उठाया फेंक फेंका डूब गया। हनुमान जी देखा भैया राम कहाँ गए राम के बगैर हनुमान रह नहीं सकते ढूंढते ढूंढते देखा
जैसे बच्चे पत्थर उठा करके पानी में फेंक रहे फेंकते हैं, प्रभु ऐसे फेंक रहे हैं। हनुमान जी प्रकट हो गए, राम तो सोच रहे तो कोई है नहीं, हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले तू कहां से आ गया, बोले प्रभु आपके बगैर तो मैं रह नहीं सकता है, बोले प्रभु ये बताओ आप बच्चे जैसे पत्थर उठाकर पानी में क्यों फेंक रहे थे, बोले हनुमान जी मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका आ गई, बोले किस चीज की, बोले तुम लोग मेरे नाम को लिख करके पत्थर के ऊपर छोड़ गए हो, ये पत्थर तैर रहा है, मैं स्वयं राम हूँ, जब पत्थर फेंकता वो डूब जाता है, हनुमान जी मेरे समझे में नहीं आ रहा है, बोले प्रभु जी ये तो सीधी सी बात है, बोले सीधी सी क्या बात है, बोले प्रभु ये पत्थर क्यों तैर रहा है, चुपके उसके ऊपर में आपकी नाम लिखा हुआ, ये नाम का बल पर ये तैर रहा है, लेकिन आप पत्थर फेंकना मतलब क्या, आप किसी चीज को उठा करके फेंकना मतलब क्या हुआ, आप उसको छोड़ दिए, आप उसको त्याग दे दिए, बोले प्रभु दुनिया का मालिक आप हो, अगर आप किसी व्यक्ति को त्याग दे दो तो कभी तैर सकता होगा डूब ही जाएगा, ये बात है, इसलिए भगवान की जो नाम है ना बड़ा शक्ति है, इसलिए आप लोग जैसे यहाँ हरिनाम कर रहे हो, यहाँ कितने भक्त लोग बैठे हुए, आप सभी का नाम की शक्ति चारी तरफ में इसका ध्वनि चारी तरफ में गूंज रही है, जितने दूर तक इसकी आवाज जाएगी उतना दूर तक पुराण कहता है रोग शोक दुख कष्ट ये सब खत्म हो जाएगी। जैसे आपका घर में अगर कोई दुख कष्ट है ना, आप इधर उधर जाना के भागने का कोई जरूरत नहीं, आपकी इधर उधर मत भागा करो, घर में बैठो पूरा परिवार घर में बैठ जाओ, बैठ करके सब मिल करके अगर ढोलकी मजीरा हो तो बहुत बढ़िया चीज, अगर वो भी नहीं ठाकुर ने हाथ दिया आप थोड़ी सी ताली बजाते हुए घर में हरि कीर्तन करो, देखना घर के जितने दुख कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगी, सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे हैं। अगर ठाकुर के नाम में अगर कोई दुख कष्ट नहीं गया ना, समझना दुनिया में इसे कोई चीज नहीं तुम्हारी सही कर सकते, कोई बाबा नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भगवान का नाम है हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए मीरा कहते है ना हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, आज सिखा कर को लग सके ना बिना ही फूल फेरा, धीरा धीरा जिस पर को लग सके ना बिना ही फूल फेरा, धीरा धीरा भूल गया हनुमान जी को, भूल गया हनुमान जी को, लेकर अब का हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, धीरा धीरा दे द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गई घनश्याम, धीरा धीरा दे साड़ी के सतारा दुशासन, साड़ी के सतारा दुशासन, आसाई मयाई हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए श्री सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानां
इच्छताम अकोत भयम जोगिनाम निर्पर निर्मित हरे नामानुकीर्तन। बोले हरि नाम किसको किसको करनी चाहिए? बोले संपूर्ण रूप में संसार जो मुक्त हो गए, बड़े बड़े मुक्त महापुरुष, हनुमान जी को देखो मुक्त महापुरुष है, नारद जी को देखो, मीरा को देखो दिन भर प्रभु का नाम रखते हैं, श्री शंकर जी दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महामंत्र जयी जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा। कहते शंकर जी पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरा, तीन रात शंकर जी पंचमुख में प्रभु का नाम जप करते हैं। बोले माता जी जगदम्बा जगत जननी, गोस्वामी जी कहते हैं सहस नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जय प्रिय संग भवानी। शंकर जी माता को इतना प्रेम क्यों करते हैं? कारण यही है, गोस्वामी जी कहते माता जी उनका आठ हाथ में देखना एक हाथ में माला है, माता जी माला जप करती, प्रभु का नाम जप करती है। अब सरस्वती को देखना चार ही हाथ में एक माला देखोगे, अब गायत्री को देखना चार ही हाथ में एक माला देखोगे, अब ब्रह्मा जी को देखना चार ही हाथ में एक माला देखोगे, हनुमान जी भी कहते सुमरी पवन सुत पावन नाम आपन बस करे राखे राम। हनुमान जी राम को कैसे बसीभूत करती है? केवल प्रभु का नाम जप करते करते। गणेश जी का नाम जानते हो? गणेश जी का नाम सुने कि नहीं? कि गणेश जी की सबसे पहले क्यों पूजा होती है? देखो इसका कारण देखो। बोले एक समय 33 करोड़ देवता में एक मीटिंग हुई। बोले सबसे अग्र पूजा किसको होनी चाहिए? बोले उसकी होनी चाहिए ये विश्व ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके पहले आ जाए। देखो अभी भारत के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितने लड़ाई, सब बोलते हैं हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, सबके सब इच्छा था प्राइम मिनिस्टर केवल भारत के लिए, लेकिन विश्व ब्रह्मांड में सबसे पहले किसकी पूजा हो ये साधारण बात नहीं। बोले पृथ्वी को जो परिक्रमा करके ब्रह्मांड को आ जाएगा, अभी अपना अपना वाहन लेकर सब चल पड़े, ब्रह्मा जी हंस वाहन में, कार्तिक मयूर वाहन में, भैया गणेश जी कैसे जाएंगे? गणेश जी का वाहन कौन है बताओ? गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा है। अभी गणेश जी चूहे के लगकर कहां को जाए? वो चुपचाप बैठे। इतने नारद जी आए, बोले भैया क्या बात? बोले ऐसे ऐसे बात है, जो विश्व ब्रह्मांड को पहले परिक्रमा करके आ जाए उसकी पहला पूजा होगी। बोले अभी मैं कहां जाऊं? तो नारद जी बोले कोई चिंता मत करो, हरि से बड़ा हरि का नाम राम का नाम तू लिखो और तीन बार तू परिक्रमा कर लो, क्योंकि वे तो एक ब्रह्मांड को पता नहीं कितने दिन में परिक्रमा करके आएंगे, लेकिन ठाकुर जी को अंदर में एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड ठाकुर जी के अंदर में, इसको तीन बार परिक्रमा कर लेना मतलब है अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड को तुम्हारा तीन तीन बार परिक्रमा हो जाएगी। अभी सबके सब आए, पसीना से तरबर होकर सबके सब आए, मीटिंग हुई, भैया पहले पूजा किसकी हो? किसने कहा मैंने पहले आया? किसने कहा तेरे से पहले मैंने आया? किसने कहा तू देखा नहीं तेरे से पहले मैंने? अभी लड़ाई शुरू हो गई। गणेश जी बोले चुप रहो सबके सब, तुम तो एक ब्रह्मांड को पता नहीं कितने दिनों में परिक्रमा लगाए, मैं तो अनंत अनंत करोड़ ब्रह्मांड को मैंने तीन तीन बार मैंने परिक्रमा एक मिनट में कर ली। सब लोग तो ठा लगा गए, हंसे। चूहा बाहर जहां के तहा बैठा हुआ, बोले अनंत करोड़ ब्रह्मांड को तीन तीन बार परिक्रमा की। तब नारद जी नाम की महिमा का जब गाए ना, बस एकदम जय जयकार हो गए गणेश जी की। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माही मजा सो जाना गनरा हो नाम प्रभाव। केवल नाम की प्रभाव से गणेश जी की पहला पूजा समझे, 33 करोड़ जितने देवता की पूजा हो रही है, हनुमान जी की, शंकर जी की, देवी की, गणेश जी की जो पूजा हो रही ना, इसका एक ही कारण है, ये सब के सब ठाकुर का नाम जप किया। केवल नाम की प्रभाव से ही दुनिया में पूजा। लेकिन अभी का जो लड़का लड़की है ना यंग स्टार,
कहते नहीं हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन ही बनेंगे, इनकी बड़ी इच्छा बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे। आप लोगों ने श्रीदेवी का नाम सुना है? सुना ही नहीं। श्रीदेवी बाथरूम में मर गई। अमिताभ बच्चन जितने, शाहरुख खान जितने बड़े बड़े हीरो है, कब तक नाम, जब तक सिनेमा में काम कर रहे हैं। 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी दुनिया उनका नाम ले रहा है कोई? कोई उसका पूजा करते हैं? कोई नहीं पूजा करते हैं। लेकिन हनुमान जी को देखो, कहाँ त्रेता युग में आए, ध्रुव कहाँ करोड़ों साल पहले आए, अभी भी घर घर में इनकी पूजा हो रही है, घर घर में इनकी पूजा कर रहे हैं। भैया अगर बड़ा बनना चाहते हो ना, हीरो हीरोइन नहीं बन करके, आप बड़े बड़े हीरोइन के अगर चरित्र पढ़ोगे ना, लास्ट में इतने डिप्रेशन में आए, सब सुइसाइड करने मरे। आप बड़े बड़े हीरोइन का नाम खुद पढ़ लेना, सब बड़ी बड़ी सब डिप्रेशन में सब सुइसाइड करके मरे। भैया हीरो बनना है ना, भगवान की भक्त बन करके हीरो बन लो, मीरा बन करके हीरो बन जाओ, जब तक दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारी घर घर में पूजा। जैसे मोदी अभी बड़ी नाम है, मोदी की बड़ी नाम है, कब तक नाम? अगर अगली इलेक्शन में नहीं आए तो फिर कोई नाम लेगा? कोई नहीं लेगा। जगत का जितने बड़े बड़े प्रतिष्ठा सब दो दिन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर एक प्रतिष्ठा अगर हो जाए, भगवान की भक्त बन करके दिखा दो, जब तक दुनिया रहेगी रहेगी, उसको बाद में भी। कहते जो गीता रामायण भागवत है ना, नष्ट नहीं होता है। पूरा जब विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाए, ये ग्रंथ फिर ठाकुर के पास में चली जाएगी, फिर जब दुनिया सृष्टि होगा फिर गीता भाग होता है। इसलिए जो गीता ग्रंथ है, कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन तू ये मत समझो मैंने ये द्वापर युग में तेरे को मैं ज्ञान दे रहा हूँ, यही ज्ञान मैंने सत्य युग में सूर्य को दान दिया था, अभी दो बार तेरे को वही ज्ञान बता रहा हूँ, ये शास्त्र नित्य है। अगर भक्त बनोगे ना, जब दो बार सृष्टि होगी, अगर ध्वंस हो गया सृष्टि हो गया ना, देखो फिर दुनिया में तुम्हारे नाम आए। भगवान की भक्ति करता था, भजन करता था, इसलिए बड़ा बन तो भगवान की भक्त बनकर बड़ा बनो, हीरो हीरोइन नहीं होकर के, ठीक है ना। इसलिए भगवान के नाम की बड़ी महिमा, लेकिन भगवान का नाम को कौन जप कर सकते हैं? कहते ना राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, नाम की माला जपेगा कोई दिल माला, माला जपी थी यशोदा माने, माला जपी थी यशोदा माने, माला जपी थी यशोदा माने, मिल गया मुरली माला जपेगा कोई दिल माला, गया मुरली बाला जपेगा कोई दिल बाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल बाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल बाला, माला जपी थी अंजना माने, माला जपी थी अंजना माने, मिल गया बजरंगी माला जपेगा कोई दिलवाला, मिल गया बजरंगी माला जपेगा कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। इसमें कह रहे कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल्ली वाला नहीं है, कौन जप कर सकता है? दिल्ली वाले, क्योंकि देखना उल्टा पुल्टा काम करने के लिए सब तैयारी है, लेकिन अगर बोले भैया कंठी थोड़ा तिलक लगाओ थोड़ा भजन करो, बोले भैया लोग क्या बोलेगा, अगर तिलक लगाएंगे तो कोई तो बोले क्या अब साधु हो गया तुमने, क्या बाबा बने साधु बन गए, क्या साधु नहीं बनकर चोर बन गए, बता साधु नहीं बन गया चोर बन गए, साधु तो बननी चाहिए ना। इसलिए इतनी शर्म लगता है माला नहीं, जब मुझे लगता है 2 साल से कथा हो रही है, कुछ कुछ भक्त तो माला लिए पता नहीं, माला कहीं लटका कर रखा होगा ना, कहीं कहीं पूजा करता होगा, लेकिन माला जब से कोई मतलब। इसलिए बोले भैया माला कौन जप कर सकता है? बोले दिल वाले, जिनके दिल बड़ा है ना वही जप कर सकता है, सब ये माला को नहीं जप कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम, देखो
ये भगवान कपिल देव अपना माँ को कह रहे, ध्यान देकर सुनो, ये माला कौन जप कर सकता है, ठाकुर जी का नाम कौन ले सकता है। बोले अहो बत सपोच अतो गरियान जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान अपना माँ को कह रहे, बोले माँ, बोले अहो, अहो मतलब कि आश्चर्य होकर कह रहे हैं, जो व्यक्ति प्रभु का नाम जप करते हैं, बोले संपूर्ण जिह्वा में नहीं, जिनकी जिह्वा की अग्रदेश में ठाकुर जी का नाम उच्चारण होता है, क्या समझो ये पूर्व जन्म में चार काम कर गया है। पूर्व जन्म में कितना काम किया? चार काम। बोले पहला काम किया, बोले सारे तपस्या कर चुके हैं। दूसरा काम किया, बोले सारे तीर्थ भ्रमण कर चुका है। तीसरा काम किया, बोले सारे यज्ञ कर चुका है। चौथा काम किया, बोले सारे दान पुण्य कर चुके हैं, तभी इसी जीवन में ठाकुर का नाम ले रहा है, जो भगवान नाम। और एक संत कहते हैं, जो व्यक्ति ठाकुर का नाम जप करना शुरू करते हैं, उसको साथ साथ में तीन काम हो जाता है। कितना काम होता है देखो, अभी मैं बताऊंगा, तीन में कल सुनूंगा, देखूंगा कौन बोल पाता है। ये तीन काम क्या होता है ठाकुर की जप करने का साथ साथ। कहते गोलोक, ये जमपुरी में जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, चित्रगुप्त कौन है, जीवन का सारे हिसाब किताब जिसको पास में, जो कुछ कर्म करते हैं उसको पास में सब के सब रजिस्टर में लिखा हुआ होता है। कहते श्री जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते, बोले रजिस्टर लेकर कहा, बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति का नाम उसमें लिख दो। बोले किस लिए, बोले ठाकुर का नाम जब करते है ना, अभी वो नरक नहीं आएगा। हाँ, कहते उसका नाम को यहाँ से काट दो, इसके नाम को यहाँ से काट दो, क्यों, वो ठाकुर का नाम जप करना शुरू कर दिया, ये कभी नरक नहीं आएगा। बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती है, बोले रजिस्टर लेकर के आओ। बोले क्यों, बोले इसका नाम को नीचे लिख दो, क्योंकि ये ठाकुर का नाम जप करना है वो सीधा गोलोक वृंदावन आएगा। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी थाली में आरती सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों, बोले जब भूर भूभ लोक पार करते हुए ब्रह्म लोक को पार करते हुए जो वैकुंठ जाएगा उसको मैं आरती उतारूंगा, क्योंकि वो व्यक्ति ठाकुर का नाम जप करना शुरू कर दिया। इतने महिमा जो नाम जप करते हैं, इतने महिमा है, इसलिए भगवत नाम जप करने का बड़ा महिमा है। इसलिए क्या करना है, सबके सब सवेरे उठ करके नहा धो करके कम से कम एक माला जप करो, एक माला कम से कम जप करना, क्योंकि पहला गुरु पिता माता, अगर पिता माता जो काम करेंगे बच्चे उसको देख कर वही काम करते हैं। अगर आप भी भक्ति करोगे ना, बच्चों के ऊपर में वही संस्कार पड़ेगी, वही सबसे पहला संस्कार पिता माता के संस्कार पड़ती है, ठीक है। हाँ देखो, अभी हम लोग 5 मिनट एक माला जप करें, ठीक है। देखो माला जाए ना, हरे कृष्ण। देखो आप चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, चैतन्य महाप्रभु का नाम, हरे कृष्ण। देखो आप चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, ये स्वयं भगवान कृष्ण है, राधा कृष्ण मिल करके एक स्वरूप श्री महाप्रभु। भक्तों लोगों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। महाप्रभु दुनिया को शिक्षा देने के लिए बोले, देखो मैं संत घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले प्रभु आप किसको घर में भोजन करोगे, बोले जो लखपति बनेगा। आज से 550 साल पहले लखपति मतलब हुआ है 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको घर में। बोले प्रभु हम तो जिंदगी में कभी 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो ही नहीं सकता, हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर हो, अरे हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे। अरे भगवान ने भक्तों को बैठा करके समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले रोजाना जो 1,00,000 नाम जप करता है। इसलिए मीरा कहती है, जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और जो माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कंगाल हुए। इसलिए जो असली जो धन है प्रभु का नाम धन। कुछ दिन पहले टीवी में आता था अमिताभ बच्चन, वो टीवी में आता था ना, करोड़पति कौन बनेगा, करोड़पति कौन, करोड़पति बनेगा, लेकिन महाप्रभु कहते भैया लखपति कौन बनेगा। आप मेरे तरफ में देखो, ध्यान देख करके, आप कैसे लखपति बन सकते हो। देखो जैसे ये माला है, जैसे इसको ऊपर में ये सुमेर हुए,
मतलब ये राधा कृष्ण का स्वरूप है। एक ये जो मोती, ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है। ये बीच में राधा कृष्ण को रख करके रास कर रहे हैं, हैं? इसलिए इसको जब हम जप करते हैं, ये अंगुल को बाहर निकालते हैं। क्यों? ये गंधा अंगुल, ये सबसे पहले ये निकलता अहंकार का प्रतीक। तेरे को मैं देख लूंगा, तुम मेरे को क्या समझते हो, सबसे पहले ये निकलता है। इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकाल कर रखते हैं और बीच वाला अंगुल को पर रख करके ये जो सुमेर को इस तरफ में होनी चाहिए करके, जैसे हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके एक मति सरकाते हैं, पूरा बोल कर दो मति सरकाते हैं। देखो एक लाख कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सोलह माला होगा। इसमें सोलह अक्षर है, महामंत्र में सोलह अक्षर है। अगर एक मोती सरका है ना, सोलह नाम हो गया। इसमें 108 मोती है। जब यहाँ समाप्त हो जाए, ये अंगुल को उसको पार नहीं करानी चाहिए। बोले क्यों? बोले ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, उनको पार नहीं करके फिर घुमा देनी चाहिए, फिर दूसरे तरफ से करनी चाहिए। इसमें 108 मोती है। अगर हमने फिर और एक माला, अगर 16 माला कर लिया ना, हिसाब से होता है 25,000। अगर हमने 64 माला कर ली, हो गया 1,00,000। भगवान खुद कहते हैं, बोले 1,00,000 माला नहीं किया, आज तुम्हारी नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया भीख निकलती होगी। भगवान खुद कहते हैं, बोले अगले जीवन में कितना मिलेगा? बोले दिन दिन बढ़त सबायो पायो ली मैंने, राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 नाम किया ना, कल तुम्हें 1,25,000 मिलेगी। बोले 4 दिन में तुम्हारी 2,00,000, 4 दिन में 2,00,000 हो गई, और यही धन ही अंतिम समय में तुम्हें ब्याज समेत मिलेगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं, भैया थोड़ा माला जप कर, बोले नहीं, बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा कर रखना है ना। देखो हमारे गुरु जी क्या कहते थे, बोले भैया बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमाया करो, गुरु जी मना करते थे। बोले क्यों? बोले बच्चा अगर होनहार होगा वो कमा ही लेगा, अगर वो होनहार नहीं बना ना, अगर नालायक ही बना, जितने पैसा तुम कमा करके जा रहे हो, शराब पी करके, जुआ खेल करके, मांस खा करके, सब बर्बाद कर देंगे। इसलिए ऐसे धन को इसी जीवन में कमाओ, जो कि इसी जीवन में भी धनी बनोगे और अगले जीवन में पूरा के पूरा तुम्हें ब्याज समेत मिलेगी। इसलिए इसी के लिए जरूर समय निकाल करो, भले ही दूसरे के लिए समय नहीं हो, लेकिन इसी के लिए जरूर टाइम को निकालो, क्योंकि इसी जीवन में अगर सुख देगा तो यही चीज देगा, और अगले जीवन तो माला ही माल है, माला ही माल है। ठीक है, अभी आपके पास में एक एक माला हम भेज रहे हैं, लेकिन इतना माला तो है नहीं, रब ले लो, इतना माला तो है नहीं, थोड़ी सी माला है, लेकिन जिनगिनियों के पास में जाएगा जब करना, और हमारे साथ में आप जब करते रहना, आपको फल मिल जाएगा, कोई चिंता मत करो। लेकिन आप तो माला एक जब करोगे, लेकिन कितने माला जब करने की फल मिलेगा? यहाँ पर जितने भक्त बैठे हैं ना, कितने 300-400 भक्त लोग बैठे हैं, माला तो एक जब करोगे, लेकिन आपको 400 व्यक्तियों का माला जब करने की फल आपको मिलेगी। क्यों? सब लोग हरिनाम करेंगे, उनकी आवाज भी आपका कान में आएगी। इसलिए माला तो एक करोगे, लेकिन इतने सारी माला करने का फल मिलेगी। फटाफट दो, तुम क्या करेंगे, खड़े निचले पीछे चले जाओ। हाँ, जिन जिनियों के पास में पहुंचे तो अच्छी बात, जब नहीं पहुंचे मेरे साथ साथ में करना, और सबके सब आंख बंद कर लो, समझो वृंदावन में श्री बांके बिहार जी के चरण में हम बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं, इसी भाव से सबके समझो। भाई लोगों को भी दो, वो बच्चा इस तरह भी दो।
हाँ हरे कृष्णा। हाँ देखो, आज आप जितने भक्त आए हैं, आप भक्त लोगों के लिए एक व्यक्ति ने आज प्रसाद की व्यवस्था की है। उनका नाम श्री राजेंद्र पाल सिंह और उनकी जो सुपुत्र हैं श्री रोहित जी, इसलिए आज इनकी तरफ से आप सभी के लिए उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की। आप इनके लिए जोरदार ताली बजा। देखो भागवत में अगर एक अन्न का दाना अगर कोई दे देता है ना, ठाकुर जी कहते किसी जीवन में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए ठाकुर जी इनको शांति सुख दे, घर में खूब फलते फूलते रहे, भगवान की भक्ति करे, प्रेम करे, ठाकुर जी की भक्ति इनको प्राप्त हो। हम श्री ठाकुर जी के चरण में हम प्रार्थना करते हैं। अभी आप लोग मेरे साथ में सबके सब माला जप कर, ठीक है, आंख बंद कर लो, समझो हम वृंदावन में और बांके बिहार जी के चरण में, और सबके सब बोलना, क्योंकि जो बोलेगा ना उसका पाप ऊपर उड़ जाएगी, लेकिन उड़ करके बैठेगी कहाँ पर जो बोलेगा नहीं। इसलिए ऐसे नहीं माला नहीं पहुंचा तो माला नहीं करोगे, सबके सब करो, नहीं तो सब पाप आपके सर पर जाएगी। इसलिए मेरे साथ में सबके सब बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बोली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके सब बोले जोर से, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे माला पूरी हो गई ना। हाँ सबके सब माला वापस दे दो, लेना नहीं कोई पाप लगेगी। लास्ट में दुकान जिसकी इच्छा होगा अभी रोज रोज एक एक माला जप करेंगे, इसलिए माला सबके सब वापस दे दो। और देखो जैसे कथा सुनने के लिए मैं करी करी कितने 4 बजे करी करी यहाँ पर, मैं 2 बजे करी करी आया, देखा यहाँ पर कोई है। नियम है कथा सुनने के लिए पहले श्रोता आए उसको बाद में पहले भक्ता आनी चाहिए, इसलिए श्रोता हनुमान जैसे बननी चाहिए। कैसे बननी चाहिए? हनुमान जैसे। देखना कथा सबसे पहले श्री हनुमान जी आते हैं, हैं? और आ करके सबसे पहले हाथ जोड़ करके पहले जहाँ पर कथा होती है वो स्थान को प्रणाम करते हैं, सुनने वालों को प्रणाम करते हैं, बोलने वाले सबको प्रणाम करके हनुमान जी बैठते हैं। इसलिए नियम है कथा सुनने के लिए हनुमान जैसे बने, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करना थोड़ी सी जल्दी आने के लिए, हमारे भक्त लोग तो 1 बजे आ जाते हैं, ठीक है। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सबके सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे, फिर आप भजन और नाचना और प्रसाद लेकर सबके सब जाना। सबके सब खड़े हो जाओ, भाई लोग भी सबके सब सामने आ जाए और माताएं भी सबके सब सामने आ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री मद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। आज जो प्रसाद दिए हैं श्री राजेंद्र पाल सिंह और सुपुत्र श्री रोहित, आप ऊपर आ सकते हैं यहाँ से। हरि भक्ति बिहारी की एक चटा एक चटा हरी
I'm a man of the city, 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 I'm a man of the city,